Thank you. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के okay? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एक बार जरा चेक करेंगे है क्या आ रही है आप लोग को so, तुम सब लोग गुड uh, मॉर्निंग so, यश प्रियंका रिविन शिल्पा हाँ बहुत बढ़िया सर बहुत ही बढ़िया जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं एक जरा मैसेज करेंगे प्लीज जरा पता तो लगे कौन कौन लोग हैं वेरी गुड मॉर्निंग प्रवीण गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो आज की क्लास हमारी थोड़ी सी जल्दी हो गई आधा घंटा पहले स्टार्ट हो गई नहीं बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपलोड नहीं हुई कहा नहीं अपलोड हुई बेटा यूट्यूब पे पब्लिक पड़ी हुई है गुड मॉर्निंग प्रिया वेरी गुड मॉर्निंग चलो फटाफट से एक आधे मिनट का वेट करते हैं और सब लोग फटाफट पड़ से ज्वाइन कर जाएं देन अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो पहले बताओ ना पहली वाली क्लास कैसी रही तुम सब लोगों ने पहली वाली क्लास देखी सत श्रीकाल पीयूष सत श्रीकाल पहली वाली क्लास देखी तुम लोगों ने लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में हमारा ऑलमोस्ट सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया था बस दो टॉपिक हम लोग छोड़कर आए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी एंड रिगार्डिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बाकी अदरवाइज तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया था बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी किए थे नहीं देखी पहली वाली अभी अरे उसको जरूर देखो भाई आज इस पर्टिकुलर क्लास में वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर नंबर वन ऑफ हमारा जीआरएमसी। और इस चैप्टर नंबर वन में अगर मैं बोलूं तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है तो हम लोग का चैप्टर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस चैनल पे ही है बेटा ऐसे नहीं बोलो वैसे तो सारे ग्रुप्स में भी शेयर हुई हुई है टेलीग्राम चैनल पे भी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो वैसे अदरवाइज चैनल पे अवेलेबल है ऐसा कुछ नहीं है कि चैनल पे अवेलेबल नहीं है बिल्कुल है <coughs> मैं चलो कोई बात नहीं क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वापस से नॉट अ बिग डील चलिए सो वेरी वेरी गुड 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 मॉर्निंग 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 रजत चलो तो चैप्टर नंबर वन जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है आज का हमारा टारगेट यही है सर और मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टारगेट हम लोग लास्ट लास्ट क्लास की कंपैरिजन में जल्दी अचीव कर लेंगे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जल्दी हमारा कवरअप हो जाएगा चलिए तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंटेंट तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है ऑल लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था आई की डेफिनेशन देखी थी बट अभी एक बार वापस से हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन यहाँ पे जरूर से देखेंगे जैसे कि ऐसा ना हो कि हम लोगों ने उसको छोड़ दिया ऐसा लगे फिर हम लोग के पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट व्हाट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या जरूरत है हमको सेकेंड नंबर पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है लाइक आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नीड और एडवांटेजेस को हम ऑलमोस्ट एक ही साथ डिस्कस करेंगे देन कम्स दर्ड क्वेश्चन दैट इज एलिमेंट्स ट गवर्नेंस अब इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो वो एलिमेंट्स हैं सर ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सर कि वॉट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स इसको हम स्कोप के नाम से भी जानते हैं कि सर, का मतलब एक तरीके से ऐसे हो गया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें कवरअप हो रही दैट इज इज स्कोप फिर हमारे पास आता है सर इवोल्यूशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इवोल्यूशन का मतलब है कि, कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ पहले ज़माने में कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या चल रहा था और आज के ज़माने में हम इसको किस तरीके से आगे डील करते हैं बिल्कुल तो ठीक बात है देन हम ऐसे देखेंगे कि सर इन in इंडिया ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का कन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ इंडिया में कैसे पहली बार कॉरपोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट आया फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस के कन्सेप्ट के आने के बाद किस तरीके से रिफॉर्म्स हुए किस तरीके से कंपनीज एक्ट बीच में आया किस तरीके से एल ओ डी आया किस तरीके से बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज थी जिन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बहुत अच्छी रिसर्च की और इसके बाद हम लोग इसको ग्लोबल मैनर पे भी पढ़ेंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट ग्लोबल मैनर पे क्या है जब हम ग्लोबल मैनर पे कॉरपोरेट गवर्नेंस के कंसेप्ट को देखते हैं ना सर तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे थोड़ी सी अमेंडमेंट्स भी थी कुछ सप्लीमेंट्री में कंटेंट एड भी हुआ था तो वो हम लोग आज यहाँ पर कवरअप करेंगे बिल्कुल ठीक बात है तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी कवरिंग द फुल चैप्टर ऑफ चैप्टर वो वन डेट फ्रेमवर्क और कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ भी हमारा ना छूटे ठीक है बाकी आ, आ, कुछ बच्चे पूछते थे क्लास कितने बजे तक चलेगी तो मेरे को लगता है आ, दो ढाई तीन बजे तक आई थिंक सो कि हम लोग वाइंड अप कर पाएंगे तीन बजे तक अपन विल ट्राई कि हम लोग वाइंड अप करते हैं उससे जल्दी तो आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लूँगा मैं क्योंकि मेरे को मतलब है कि मैं जब समझा रहा हूँ तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊँ जैसे कि एक बार करें और कहानी ख़त्म हो जाए उसके बाद वापस से ना करना पड़े है ना चलो तो सबसे पहले हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आइए सर शुरू करते हैं श्री गणेश करते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास वाली याद हो या मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उस डेफिनेशन में ना हम लोगों ने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था एक हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ best management practices application of best management practices second number about the compliance of law compliance of law into letter and spirit into letter and spirit a third number pamukulagudra the adherence of

उसके इंटेंट को समझिए और लॉ को कंप्लाई करने की कोशिश करिए अडॉप्ट करिए अपने बिजनेस में फिर हम लोगों ने बोला कि आपको और क्या फॉलो करना है तो आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं एडेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो एथिकल स्टैंडर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए टारगेट बना के चलता है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए अच्छा किस लिए वो ऐसा कर रहा है तो हम लोगों ने बोला था फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऐसा करने से होगा क्या सर उसका जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा अगर वो ऐसा करता है तो एंड साथ ही साथ जो भी उसकी वेल्थ है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो भी वो ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू पैसा अर्न करेगा एंड उसे वो डिस्चार्ज करेगा क्या अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तो वो क्या करेगा स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी इस पर्टिकुलर वेल्थ को शेयर करेगा और साथ ही साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा किस चीज के लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिससे कि मार्केट में जो डेवलपमेंट हो वो कैसा डेवलपमेंट हो पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए बिल्कुल तो ठीक बात है तो दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा अगर मैं ऐसे बोलू ना तो हम ऐसे बोल देते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बहुत सारे सिस्टम बनाता है बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाता है पॉलिसीज बनाता है स्टैंडर्ड सेट करता है जिससे कि वो कोशिश करता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट मैनर में कन्वर्सेशन कर पाए एक्चुअल में आज प्रेजेंट टाइम पे जो कॉर्पोरेट है ना वो कॉर्पोरेट अपने स्टेक होल्डर से कुछ छुपाना नहीं चाहता ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन होता क्या है कि कॉर्पोरेट एक इतने बड़े लेवल पे वर्क कर रहा होता है कि उसको ये सारा को समेट कर अपने स्टेक होल्डर को देना उतना आसान है नहीं जितना सुनने में लग रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सारे डेटा को कलेक्ट करना और उसके बाद रिफाइन करके जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो अपने स्टेक होल्डर को बताना उतना आसान नहीं है इसीलिए हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर जब एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की हम बात करते हैं ना तो हम ऐसे भी कहते हैं कि जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल है ना हम लोग ऐसे बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो ये कंसेप्ट है ना इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है कैसी इट सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक सेटअप किस चीज का सेट है किस चीज का सेटअप तो सिस्टम्स का ये सेट है प्रोसीजर्स का ये सेट है प्रोसेसेस का ये सेट है पॉलिसीज का ये सेट है प्रैक्टिस का इसमें ये इस सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं इसमें इंक्लूड हो रहा है सर स्टैंडर्ड और ये सब ये सब कौन इंप्लीमेंट कर रहा है तो हम लोगों ने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोसीजर प्रोसेस पॉलिसीज प्रैक्टिसेस पुट इन प्लेस बाय अ कॉर्पोरेट ये सारा सेट एक जगह पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय अ कॉर्पोरेट किस लिए टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स जिससे कि जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मेंटेन्ड वो मेंटेन रहे कैसे ट्रांसपेरेंट एक transparent तरीके से और एक ऑनेस्ट तरीके से तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल 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 ठीक बात है चल आगे बढ़ते इसमें आगे बढ़े तो सर हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन आया कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये इवोल्व कैसे हुआ तो हमारे पास क्वेश्चन आया सर हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया सर कि इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम क्या मानते थे फिर हमने क्या मानना शुरू किया तो हमारे सामने एक हेडिंग आई इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ध्यान से देखते हैं सर इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है सर कि पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम क्या मानते थे और आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्या मानते हैं तो इसमें चार तरीके की थ्योरीज हैं सर कितने तरीके की थ्योरी है चार पहली थ्योरी, एजेंसी थ्योरी देन कम्स शेयर होल्डर थ्योरी देन कम्स स्टेक होल्डर थ्योरी और आज बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टीवरशिप थ्योरी तो चार तरीके की थ्योरी हमारे सामने दी हुई है सर कौन कौन सी एजेंसी थ्योरी शेयर होल्डर थ्योरी स्टेक होल्डर थ्योरी और स्टीवरशिप थ्योरी ये जब हम इन थ्योरीज की बात करते हैं ना सर तो हम ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम पे क्या चल रहा था तो हम ऐसे बोलते हैं जो एजेंसी थ्योरी है ना वो हमको ये बताती है सर कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना ओनर क्या करता था अपना पैसा लगाता था लेकिन मैनेजमेंट संभालने के लिए वो एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेता था किसको अपॉइंट कर लेता था मैनेजर को तो हम ऐसे कहते कि जो मैनेजर था ना वो डे टू डे ऑपरेशंस को संभालता था पैसा किसने लगाया होता था पैसे किसने लगाया होता था तो कहते थे पैसा लगाया होता था ओनर ने तो इसका मतलब एजेंसी थ्योरी में ओनर अपने अंडर में एक एजेंट अपॉइंट कर लेता था एंड दैट एजेंट वॉज टर्म्ड एज मैनेजर डे टू डे एक्टिविटी संभालने की जिम्मेवारी किसकी मैनेजर की पैसा लगाने की जिम्मेवारी किसकी ओनर की बिल्कुल ठीक बात है फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जब ये प्रिंसिपल चल रहा था तो कहीं ना कहीं ये मैनेजर के स्किल पे चल रहा था तो डिसीजन मेकिंग हमने किसको दे दी थी मैनेजर को अगर मैं आपको बुक्स में दिखाऊं कि एजेंसी थ्योरी किस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं आप बुक्स में देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में नहीं तो आप मेरे नोट्स में देख रहे हैं तो आपको यहां पे भी मिल रहा है ध्यान से देखेंगे कैलकुलेटर देखा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कॉरपोरेशन क्या इस थ्योरी के हिसाब से चलें सर तो जो मैनेजर होते हैं ना वो एजेंट का काम करते हैं द ओनर्स सेट देंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है वो जो अचीव करना चाहता है वो कॉरपोरेशन ने ओनर कॉर्पोरेशन के ओनर ने सेट कर दिया मतलब एक तरीके से मैं ऐसे बोल दू गा गोल्स वो सेट कर दिए किसने ओनर ने बट उन गोल्स को अचीव कौन करेगा उन गोल्स को अचीव करने में मैनेजर उसकी मदद करेगा तो इसका मतलब ये हो गया सर कि एक तरफ हम लोगों ने बोला कि ओनर है और एक तरफ है हमारा एजेंट जिसको हमने नाम दिया मैनेजर मैनेजर तो मैंनेजर की जो हैसिबिलिटी है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे वर्क को संभालने की तो हम लोगों ने ऐसे बोला जो गोल है वो किसके द्वारा सेट किया जाएगा इट विल बी सेटअप बाय ओनर बिल्कुल ठीक बात है लेकिन इस गोल को अचीव कौन करेगा ये अचीव करेगा कौन मैनेजर तभी लिखा मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दीज कैरियउ इन डे टू डे वर्क ऑफ द कंपनी ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ओनर ने ऑब्जेक्टिव सेट किए वो डे टू डे एक्टिविटीज में इंप्लीमेंट करें बिल्कुल तो ठीक है कह रहे हैं इन एजेंसी थ्योरी इस एजेंसी थ्योरी में ओनर्स आर द प्रिंसिपल्स लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल को ये तो पता है कि उसको गोल क्या अचीव करना है बट उसको ये नहीं पता कि अचीव कैसे करना है

वो तो खैर बात सही है है और वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को ठीक तो तो बात है लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे क्या है सर प्रॉब्लम क्या है ये एजेंसी थ्योरी तब तो ठीक थी जब ओनर एक ही होता था आज तो ओनरशिप स्प्लिट हो गई है और ओनरशिप स्प्लिट हो जाने की वजह से कौन कौन अपना मैनेजर अपॉइंट करेगा बताओ और सब लोग अगर अपना मैनेजर अपॉइंट करेंगे तो फिर तो सर लड़ाईया ही होती रहेंगी कौन किसकी बात मानी जाए किसकी इग्नोर की जाए मॉडर्न कॉरपोरेशन द शेयर होल्डिंग्स आर वाइडली स्प्रेड आज के कॉर्पोरेशन में आज का जो प्रेजेंट टाइम का बिजनेस इन्वायरमेंट है इस बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो आज प्रेजेंट टाइम पे जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत बट गई है द मैनेजमेंट जो एजेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स दैट इज प्रिंसिपल्स परस्यू द ऑब्जेक्टिव सेटअप बाय द शेयर होल्डर्स मेन कंसेप्ट आज भी वही चल रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आज भी एजेंट और जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स हैं बिल्कुल ठीक बात लेकिन ये थ्योरी को आउटवे किया दूसरी थ्योरी ने और दूसरी थ्योरी कौन सी आई शेयर होल्डर्स थ्योरी शेयर होल्डर थ्योरी ने क्या बोला कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर को खुश कर दो ये कहानी चल रही है अंग्रेजों के टाइम की कि भैया जिसने पैसा लगाया उसका पेट भरना चाहिए लेबर भाड़ में जाए environment भाड़ में जाए सोशल ह्यूमन राइट्स सब भाड़ में जाए गुलामों की तरीके से लेबर से काम करवाया जाए दिन रात मेहनत करवाई जाए irrespective of this fact कि उनके घर परिवार कैसे चलेंगे उनकी जिंदगी का क्या होएगा, सब भूल जाइए हमको पैसा कमाना है कुल मिला के ऐसी कंपनी बनाओ जो शेयर होल्डर को रिटर्न दे पाए सेट। ये जो थ्योरी है ना इस थ्योरी ने पूरी तरीके से इन्वेस्टर पर फोकस किया स पर फोकस किया इन्वेस्टर पर स्टेक होल्डर पर तो इसने फोकस किया ही नहीं इसीलिए बोला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज द देशन विच इज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स कह रहे जो कॉरपोरेशन है ना जो कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है वो प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर्स की दे कैन डिस्पोज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी और वो बस ये चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरीके से उनको क्या मिले मैक्सिमम आउटपुट मिले

आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचेगा वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा आज प्रेजेंट टाइम पे आपको एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड्स पूरी तरीके से फॉलो करने हैं अगर आपने नहीं किया तो सिचुएशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ही होने वाला है बिल्कुल ठीक बात है इसीलिए हमारे पास तीसरी नंबर थ्योरी आई और हमने नाम दिया उसको स्टेक होल्डर्स थ्योरी स्टेक होल्डर्स थ्योरी एक तरीके से अपग्रेड हुई एक अपग्रेडेशन था किसका एजेंसी से अपग्रेड होकर शेयर होल्डर पे आए शेयर होल्डर से अपग्रेड होकर गए स्टेक होल्डर अच्छा एजेंसी और शेयर होल्डर में फर्क यह था कि एजेंसी में मैनेजर था और शेयर होल्डर में डायरेक्टर्स तो आए बट अल्टीमेटली बेनिफिट किसको पहुंचाना चाहते थे इन्वेस्टर को तभी तीसरी नंबर थ्योरी आई जिसको हमने नाम दिया स्टेक होल्डर थ्योरी और यहां पर हम लोगों ने बोला कि सिर्फ शेयर होल्डर ही एक स्टेक होल्डर नहीं है और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जिनका हमको ध्यान रखना होगा तभी लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कंपनी इज सीन एज एन इनपुट आउटपुट मॉडल कुछ ले रही है तो कुछ देगी भी एंड ऑल द इंटरेस्ट ग्रुप्स विच इंक्लूड्स लाइक क्रेटर्स इंप्लॉइस कस्टमर्स सप्लायर्स लोकल कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट आर टू बी कंसिडर्ड सिर्फ शेयर होल्डर को नहीं देखना उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं तभी लिखा देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी अ कॉरपोरेशन एग्जिस्ट फॉर देम एंड नॉट द शेयर होल्डर्स अलोन जो एक कॉरपोरेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एग्जिस्ट करती है सिर्फ एक शेयर होल्डर के लिए वो नहीं है क्या बात समझ में आती है बात तो सही है सर अच्छा हर स्टेक होल्डर का ना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है तो ये बात तो सच है कि हर एक स्टेक होल्डर अलग अलग तरीके से काम करना चाहता है और अलग अलग तरीके का सबको अपना रिटर्न दिखता है तभी लिखा द डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑल्सो होल्डर का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है एंड द इंटरेस्ट ऑफ दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर एट टाइम्स टाइमिक्ट और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इनका जो इंटरेस्ट है वो आपस में कन्फ्लिक्ट करता है कैसे कन्फ्लिक्ट करता है मैं एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर पैसा कमाना चाहता है और उसके लिए उसको चाहिए कि जो लेबर है जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा देर मेहनत करें जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंट में एक स्टेटमेंट देखा होगा और मिस्टर नारायण मूर्ति का और उन्होंने बोला कि एक यंगस्टर्स को आज के प्रेजेंट टाइम के यंगस्टर्स को इन अ वीक सेवेंटी आवर्स वर्क करना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री में अगर उनको कॉम्पीट करना है विद द डेवलप्ड इकोनॉमीज अब प्रॉब्लम क्या है सर कि सत्तर घंटे काम करने का मतलब सेवेंटी आवर्स अब आज प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं कॉर्पोरेट में फाइव डेज अ वीक का कल्चर चलता है फाइव डेज अ वीक का मतलब हो गया कि सर मतलब हम मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं और पाँच दिन हम काम कर रहे हैं लेकिन हमको इन पाँच दिन में घंटे कितने सर्व करने हैं सेवेंटी आवर्स अब अगर हम सेवेंटी आवर्स सर्व, सर्व करना चाहते हैं ना तो हमको डेली फोर्टीन आवर्स काम करना होगा तो जाके कहीं हम काम कर पाएंगे सत्तर घंटे अब सर अगर हम फोर्टीन आवर्स वर्क कर रहे हैं इसका मतलब हम सुबह ऑफिस से निकल ऑफिस के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं मॉर्निंग में आठ बजे मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर हम अगर आठ बजे मॉर्निंग में ज्वाइन करें ऑफिस को तो रात में दस बजे निकले मतलब सुबह आठ बजे हम ऑफिस पहुंच जाए और रात में दस बजे हम ऑफिस से निकले चौदह घंटे का काम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायण मूर्ति अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक बंदा आठ बजे से लेकर रात में दस बजे तक काम करेगा और एक पर्टिकुलर पर्सन का कहना है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बट हर किसी में वर्क फ्रॉम नहीं है आजकल तो कॉर्पोरेशन वापस से बुलाने लग गई है अपने एम्प्लॉज को और आठ से लेकर दस तक अगर वो काम करेगा एक घंटे की ट्रेवल करके आएगा एक घंटे की ट्रेवल करके जाएगा तो सुबह सात बजे घर से निकलेगा रात में ग्यारह बजे पहुंचेगा तो उसकी खुद की जिंदगी तो खत्म ही हो गई तो फिर उसको ऐसे बोलो ना कि उसको कॉर्पोरेट में ही डॉर्मेटरी बना के तो बोल तो दे दो वहीं बेचारा सो जाए तो ज्यादा बेहतर है सैटरडे संडे अपने बच्चों से मिलेगा अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेगा तो हफ्ते में पांच दिन तो एंजॉय नहीं कर पाएगा दो ही दिन कर पाएगा अब ऐसी सिचुएशन में ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना अगर मैं बोलू कि ये चौदह घंटे काम करता है सत्तर घंटे काम करता है पांच दिन में तो सर फिर उस सिचुएशन में देखो ये बात तो पक्का है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा ये भी बात पक्की है कि इकोनॉमी भी ग्रो करेगी ये भी बात पक्का है कि वो पैसा भी कमाएगा और सेविंग भी हो जाएगी क्योंकि खर्च करने का टाइम ही नहीं है भाई ये तो बहुत बड़ी बात है ना चौदह घंटे ऑफिस में बैठेगा खर्च कहां करेगा सब सेव टोटल सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा ले 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 ले, इन्वेस्टमेंट करेगा ले ले, म्यूचुअल फंड में डालेगा में डालेगा इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ये बात तो सब ठीक है बट प्रॉब्लम क्या है समझना इन्वेस्टर को तो फायदा हो रहा है भाई इंप्लॉई को भी तो सोचो एक स्टेक होल्डर के फायदे के लिए दूसरे स्टेक होल्डर को कैसे आप नुकसान पहुंचा पाओगे तो इसका मतलब अगर हम इस कंसेप्ट को तो देखें तो एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट तो फुलफिल हो रहा है बट दूसरे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा इसी को तो हम लोगों तो इसीलिए बोला गया ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू दिस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट वो इनके बीच में बिल्कुल ठीक बात। नीचे नीचे आते हैं अब देखो ऐसा लिखा है? लिखा है, नहीं है हाँ इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं शेयर होल्डर की थोड़ी कम हो गई है ये बात तो देखो माननी पड़ेगी पहले हमने उसको कहा इतना एकदम सिर पे बिठा के रखा था अब हमने सिर से उतार के कंधों पे बिठा दिया बस पूरी तरीके से नहीं उतारा दिया सिर पे बैठा था सिर से उतार के कंधों पे बिठा लिया बस इतना ठीक है फिर हमारे पास थ्योरी आई लास्ट में हमारी थ्योरी आई आज प्रेजेंट टाइम की थ्योरी थ्योरी <laughs> अब का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था कि स्टीवरशिप का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने बोला था कि सर एक तरफ है पब्लिक एक तरफ है पब्लिक एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक तरफ है इन्वेस्टी कंपनी और हम लोगों ने बोला पब्लिक अपना पैसा दे रही है किसको पब्लिक अपना पैसा दे रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा दे रही है किसको इन्वेस्टी कंपनी अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पब्लिक से पैसा ले रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको नाम दिया था कस्टोडियन और हम लोगों ने बोला था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पब्लिक से पैसा ले रही है लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी पेंशन फंड कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज ये पब्लिक से पैसा लेके आगे इन्वेस्टिंग कंपनी में लगा देती है आप सब ध्यान से सुनिएगा ये इन्वेस्टिंग कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो बन गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टिंग कंपनी का शेयर होल्डर है वो कौन बन गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेकिन सर जब इन्वेस्टिंग कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर भी पड़ेगा तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग कंपनी कोई भी एक्शन लेगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और उसका इंपैक्ट पड़ेगा पब्लिक पे अगर इन्वेस्टिंग कंपनी डूबी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी डूबा और पब्लिक का भी पैसा डूबा ऐसी सिचुएशन में हमने बोला कि भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तुम अब एक गार्जियन बन जाओ और गार्जियन इन्वेस्टी कंपनी पर पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करो क्योंकि अगर इन्वेस्टी कंपनी ने एक भी गलत डिसीजन लिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे तभी देखो लिखा द वर्ड स्टीवर्ड अ पर्सन हु मैनेजेस अनदर प्रॉपर्टी और एस्टेट स्टीवर्ड एक ऐसा पर्सन है जो दूसरे की प्रॉपर्टी दूसरे के बिजनेस को संभाल रहा Or is here the word is used in the sense of guardian in relation to a corporation? Here the managers and employees are to safeguard the resources of corporation and its property and interest when the owner is absent. The owner is present, the manager or employees corporation. And they have to take utmost care of the corporation. They should not use the property for their selfish ends. And this theory makes use of the social approach to human nature. बिल्कुल ठीक बात है तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि अब प्रेजेंट टाइम पे जो हम लोगों ने बोला ना कि जो ये मैनेजर्स हैं दे दे आर नॉट एजेंट्स बल्कि द पोजीशन ऑफ स्टीवर्ड्स यानी अब वो एजेंट नहीं रहे अब वो क्या बन गए स्टीवर्ड बन गए लिखा द मैनेजर्स आर मोटिवेटेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियर पैटर्न इज कलेक्टिव प्रो ऑर्गेनाइजेशनल एंड ट्रस्ट फॉर और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पा रहा है ठीक है सर तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने बोला कि चार तरीके की थ्योरी हमारे सामने आई एक एजेंसी थ्योरी एक शेयर होल्डर थ्योरी एक स्टेक होल्डर थ्योरी और एक हमारे सामने आ गई स्टीवरशिप थ्योरी और ध्यान रखिएगा ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको जरूर से जरूर से जरूर से हाईलाइट करिएगा ठीक है एक मिनट देंगे जरा चलो मैं एक मिनट दीजिए बस मेरे को एक जस्ट ना मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दू जरा शिल्पा कहती हैं चौदह घंटे काम करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मैं तो बोलूँगा एट द कॉस्ट ऑफ पर्सन हेल्थ पर्सन ही गायब हो जाना है अगर उसने चौदह घंटे काम करना शुरू कर दिया तो चौदह घंटे में इंसान पागल हो जाएगा और फिर इंसान ख़त्म ही हो जाएगा है ना फिर इंसान में कुछ बच्चे का ना दें पानी ख़त्म गेम ओवर है ना आ, बात तो सही है बात तो आपकी बिल्कुल सही है चलो भाई क्वेश्चन लिखो जरा क्वेश्चन लिखोगे लिखा सर ऐसे क्वेश्चन आता है हमारे सामने ब्रीफली कमेंट ऑन द फॉलोइंग ब्रीफली कमेंट ऑन द फॉलोइंग किस पे कमेंट करना है सर आई सी एस principles of corporate governance include sustainable development of all stakeholders and adherence to ethical standards बोलो भाई क्या मैं बोल दूं कि कहीं ना कहीं ये हमको कॉरपोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन के रिगार्डिंग हमसे कमेंट करने को बोल रहे हैं बात तो सही है सर बिल्कुल बिल्कुल बात तो सही कही आपने आगे बढ़ते हैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया सर क्वेश्चन लिखिएगा शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स कह रहे सर शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स आर बोथ असोसिएटेड दे बोथ आर असोसिएटेड विथ आ कॉरपोरेशन ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं सर एक कॉरपोरेशन से बट दे आर इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स लेकिन दोनों अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और आपसे बस आप क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्टेक होल्डर थ्योरी और आपसे यहां पे इवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में स्टेक होल्डर्स थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है बोलो भाई क्या जवाब दे पाएंगे यस और नो यस यस और नो दे पाएंगे सर दे पाएंगे बिल्कुल दे पाएंगे सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर आगे आगे आगे, आगे बढ़ते हैं सर अब हम लोग सबसे पहले सर बात करते हैं एलिमेंट्स की हम ऐसे बोलते हैं कि सर एक कॉन्सेप्ट हमें आपके सामने लिखता हूँ वैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह रहे कब आप कह पाएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर चुका है हम कैसे कह दें कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड में बहुत आगे है क्या हम चेक करें एक ऑर्गेनाइजेशन में जिससे हमको पता लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट गवर्नेंस में आगे है या पीछे है या किस तरीके से काम कर पा रहा है तो हम लोगों ने बोला गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम कुछ एलिमेंट्स हैं अगर ये एलिमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है अगर ये एलिमेंट्स आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में दिख पा रहे हैं तो हम बोल देंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टेप पर चल रहा है इसका मतलब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम अडॉप्ट कर लें अगर तो हम बोल पाए कि यस हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपसे एक पर्टिकुलर क्लाइंट आके बोलता है कि भैया हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की हुई हैं आप एक बार जरा चेक करके बताइए कि क्या ये प्रैक्टिस के बेसिस पे कह सकते हैं कि हम एक गुड के गिंसिपल को अडॉप्ट कर पाए तो आप बोलते हैं कि भैया हमको चेक कराओ हम देखते हैं अगर हम जो एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं अगर ये एलिमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है तो हम बोल देंगे इट्स अ अ गुड गुड कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस अदरवाइज इट इज नॉट बात तो सही है अब यहां पर पहले मैं जो आपको पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं ना वो बुक से देखिएगा फिर मैं इसके शॉर्ट नोट आपको लिखवा दूंगा बहुत सिंपल टर्म्स में पहले मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बताता हूँ जैसे पहले बोर्ड स्किल्स कह रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड होना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड होता है ना सर अगर वो डाइवर्सिफाइड है तो हर एक पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अलग अलग स्किल्स होगी अगर एक मिक्सचर ऑफ स्किल्स है ना तो भाई सब मिलकर एक जबरदस्त टीम बना पाएंगे लेकिन अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे डायरेक्टर्स इंजीनियर्स हैं किसी को फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं किसी को लीगल नॉलेज है ही नहीं किसी को मार्केटिंग का पता ही नहीं है सब के सब इंजीनियर तो सर ऐसी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में मात खा जाएंगे क्योंकि वो किसी ना किसी फील्ड को स्किप करके चलता इसीलिए हम लोगों ने बोला कि सर अ बोर्ड शुड अ मिक्स ऑफ फॉलोइंग स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जब हम बात करते हैं बोर्ड की तो हम बात करते हैं कलेक्टिव की और कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि सर जो बोर्ड है उसमें हर एक डायरेक्टर की अलग अलग स्किल अलग अलग नॉलेज अलग अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे किसी के पास अगर फाइनेंशियल स्किल्स है तो किसी के पास लीगल स्किल है किसी के पास नॉलेज है गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की किसी के पास ऑपरेशनल और टेक्निकल एक्सपर्टीज है कोई कमिटमेंट कर रहा है लीडरशिप के लिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अब जैसे हम लोगों ने बोला अलग अलग डायरेक्टर के अलग अलग रोल्स हैं क्योंकि वो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होल्ड करते हैं अगर वो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होल्ड करेंगे तो वो एक्चुअल में सब मिलकर एक बेहतर टीम बना पाएंगे तभी लिखा टू बी एबल टू अंडरटेक इट्स फंक्शंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर और बोर्ड को अगर अपने फंक्शंस इफेक्टिवली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फुलफिल करने हैं देन द बोर्ड मस्ट पोजेस तो बोर्ड के पास कम से कम क्या होना चाहिए द नेसेसरी ब्लेंड ऑफ क्वालिटीज स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसमें उसके पास स्किल भी हो नॉलेज भी हो और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी बात है बहुत ही बढ़िया बात देन कम्स सेकेंड नंबर एलिमेंट दैट इज बोर्ड अपॉइंटमेंट अच्छा अगर मैं बोलू कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्किलफुल डायरेक्टर्स है सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं तो तुम बोलोगे भैया ये ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड की स्किल के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी है देन कम्स बोर्ड अपॉइंटमेंट अभी हम लोग लास्ट पास में ही बात कर रहे थे सर इसकी नॉमिनेशन कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि बोर्ड अपॉइंटमेंट जो है ना ये एक ऐसा कंसेप्ट है एक ऐसा क्राइटेरिया है जो बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और हम लोगों ने बोला कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इतनी बड़ी पोजिशन देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट कराना डायरेक्टर की पोजिशन देना ये आसान नहीं है सर एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने आप को पहले प्रूफ करना चाहिए कि ही इज़ ही कैपेबल इनफ़ इज़ ही वर्दी इनफ टू होल्ड सच अ पोजिशन इन अ पर्टिकुलर कंपनी अगर वो अपने आप को साबित कर पाता है तो तो उसको डायरेक्टरशिप की position दी जाए वरना ना दी जाए अब ऐसी सिचुएशन में तभी हम लोगों ने लास्ट pass में बात किया था कि मुकेश अंबानी के तीन बच्चे अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी। ये सब अपने अपने धीरे धीरे करके अपना अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जैसे रिलायंस जियो बड़ा बेटा संभाल रहा है बेटी रिलायंस ट्रेंड संभाल रही है और अब इन सब लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट बनाया जा रहा है किसका पार्ट बनाया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी तक ये सब लोग रिलायंस जियो रिलायंस ट्रेंड्स इन सब का पार्ट थे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब इनको एज अ डायरेक्टर की पोजीशन दी जा रही है तो बोला जा रहा है कि भाई अगर आप इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर बनेंगे तो पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करिए और तभी हम लोगों ने देखा था कि लास्ट पास में डिस्कस भी किया था कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने रिकमेंड किया अपने शेयर होल्डर्स को कि आप छोटे वाले बेटे को अभी डायरेक्टर की पोजीशन ना होल्ड करवाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज में हाँ, बोर्ड अगर आप इन चीज की इंश्योरिटी चाहते हैं ना कि जो सबसे कॉम्पिटेंट पीपल हो वो आपके बोर्ड में ज्वाइन देन द बोर्ड पोजिशन शुड बी फिल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव सर्च

और फिर जिस चीज की जरूरत है ना जहां आपको लूप होल नजर आ रहा है जहां आपको कमी नजर आ रही है उस कमी को फुलफिल करने के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करिए बिल्कुल ठीक बात है तो तभी तो लिखा जो भी नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ऑल द न्यू डायरेक्टर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सेटिंग आउट इन डिटेल देयर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज कह रहे जब भी ऑर्गेनाइजेशन में नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दीजिए और उसको बताइए कि उसकी क्या ड्यूटीज है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो हम लोग बोल अभी हम लोग देखिए देखेंगे कि सर साउथ अफ्रीका में किंग रिपोर्ट फोर चल रही है और साउथ अफ्रीका में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि जो आप अपॉइंटमेंट लेटर देंगे जब एक नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो उसको बताइए टू डिफाइन द पर्पस ऑफ द कंपनी उसको समझाइए कि हमारी जिस कंपनी में वो ज्वाइन कर रहा है उस कंपनी का पर्पस क्या है वो क्या अचीव करना चाहते हैं डिफाइन द वैल्यूज बाय विच द कंपनी विल परफॉर्म इट्स डेली ड्यूटीज़ किन वैल्यू प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हुए चल रहे हैं टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स रिलेवेंट टू द कंपनी टू डेवलप अ स्ट्रैटी कम्माइनिंग दिस फैक्टर्स एंड टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटी तो कह रहे हैं जो भी एक बोर्ड का पार्ट बनेगा उसको कम से कम इन बातों को ध्यान रखना होगा कम से कम हम ऐसे बोल देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये रोल तो रहना ही चाहिए कि वो अपनी कंपनी के पर्पस को समझें वो अपनी कंपनी की वैल्यूज़ को समझें वो अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स को पहचाने स्ट्रैटजी बनाएं और साथ ही साथ उन स्ट्रैटजीज को इंप्लीमेंट भी करें अच्छा फिर एक एक तरीके से भी ऐसा भी होता है कि सर बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे ना हम लोगों को क्या लगता है कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हम एक बार कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे उसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई बंद ऐसा नहीं है सर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग अ प्रोफेशनल बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी बीइंग एन एडवोकेट जिंदगी भर आपको पढ़ना है जिस दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया समझ लीजिए मार्केट से आउट हो जाएंगे अब ऐसी सिचुएशन में फर्क बस इतना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए वो हमको बर्डन सम लग रहा है बाद में यही पढ़ाई आपको जब पैसा देगी ना तो आपको लगेगा भाई पढ़ लेते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा दिस इज द ओनली डिफरेंस अब ऐसी सिचुएशन में हो क्या रहा है सर कि एक पर्टिकुलर पर्सन जब एक डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर लेता है तो वो डायरेक्टर तो बन गया लेकिन सर अब वो कहीं ना कहीं नए कंसेप्ट से दूर भागता चला जा रहा है क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवार को संभालने में इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पा रहा तो इसलिए एक डायरेक्टर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखिएगा जब एक पर्टिकुलर पर्सन नया नया किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है तो उस कंपनी के बारे में उसको बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है उस कंपनी के बारे में उसको बताना बहुत जरूरी है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की हैरारकी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन किससे क्या किस तरीके का, का काम करवाता है किसका क्या रोल है ये उसको पता होना जरूरी है तो इसके मतलब दो तरीके की ट्रेनिंग हो गई एक हो गई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने की ट्रेनिंग और एक हो गई बाद में अपने आप को अपग्रेड करने की यहां पे कौन सी ट्रेनिंग की बात हो रही है तो यहां पे बात हो रही है इस इनिशियल स्टेज की ट्रेनिंग वाली तभी डायरेक्टर्स मस्ट है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस एरिया में कंपनी काम कर रही है कंपनी की क्या कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी है कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े जा सकते हैं बाय द बोर्ड बिल्कुल ठीक बात है फिर लिखा बार बार एजुकेशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होंगे और कोशिश करिए कि हर एक डायरेक्टर उसमें पार्टिसिपेट करे सो so डेट वो जो डायरेक्टर है ना वो अपने आप को नई डेवलपमेंट से अपग्रेड करा पाए अवेयर करा पाए जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि अब हमको सब कुछ आ गया है हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है उसी दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल ठीक बात है सर उसके बाद हमारे सामने कंसेप्ट आया बोर्ड इंडिपेंडेंस का सर ये बहुत जरूरी है एक साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं भी हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है तभी लिखा इंडिपेंडेंट बोर्ड इज एसेंशियल फॉर साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्योंकि जिस दिन बोर्ड ने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया

It also ensures, अगर बोर्ड में वहां पर बोर्ड जो होगा ना वो सुपरवाइजरी रोल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि कंफ्लिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि आएगी और एक्चुअल बिल्कुल ठीक बात और इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि द बोर्ड नीड्स टू बी कैपेबल ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स विद एन ऑब्जेक्टिव किया जाना बहुत जरूरी है सर और परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई इंडिपेंडेंट पर्सन ना हो ठीक सर फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है बोर्ड मीटिंग रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग्स में कोशिश की जानी चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर प्रेजेंट हो हर एक डायरेक्टर अपनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दे अपना रोल दे अपना रोल परफॉर्म करें अपना टाइम डिवोट करें जिससे कि जो बोर्ड मीटिंग्स में एजेंडाज आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस होकर इंप्लीमेंट हो पाए तभी तो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजीज बनेंगी वो तो बोर्ड मीटिंग में ही बनेगी तभी का डायरेक्टर्स मस्ट डिवोट सफिशियंट टाइम एंड गिव ड्यू अटेंशन टू मीट देयर ऑब्लिगेशन अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग रेगुलरली एंड प्रिपेयरिंग थरली ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटिंग अटेंड की वजह से सो गए उसके रिगार्डिंग सारी प्रिपरेशन करिए बिफोर एंटरिंग द बोर्ड रूम इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ इंट्रैक्शन बोर्ड मीटिंग क्योंकि जब आप देखो ऐसा होता है ना आपने बताया हुआ अब प्री टेस्ट ना, आपको पहले से कर देता है सरप्राइज टेस्ट में ना आप एकदम से कभी कभी ब्लैंक भी हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि सरप्राइज टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए इसका मतलब आपको आता नहीं था इसका मतलब ये है बस कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाए थे अपने आपको ऐसी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले एजेंडा आइटम बता दें वो पहले से अपना होमवर्क करके आए तो कहने का मतलब ये होगा कि सर वो एक्चुअल में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे ना तो जो डिबेट होगी जो वहां पे डिस्कशंस होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएंगे तभी लिखा बोर्ड मीटिंग्स आर द फोरम्स फॉर बोर्ड डिसीजन मेकिंग बोर्ड मीटिंग ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पर बोर्ड अपने डिसीजन सेट करता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है सर ओल्ड सिलेबस वाले भी ओ भाई साक्षी बेटा ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए ही है न्यू सिलेबस वालों को तो दिसंबर में सिलेबस ही नहीं है बच्चे एग्जाम तो ही नहीं है न्यूज टेबल सालों का तो पहला एग्जाम ही कब है जून में तो ये सब ओल्ड वालों के लिए कोई बात नहीं गायत्री आप लेट हो गए ऐसी कोई लेट होने वाली बात नहीं है हम टाइम पे ही हैं हम टाइम पे ही हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी बताओ तो 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 निंजा गेमिंग कहते हैं सर नमस्ते आपने मेरे बिना कैसे स्टार्ट कर दिया निंजा हम तो इंतजार करते रह गए आप आए नहीं तो फिर हमने शुरू कर दिया क्या करते बताओ वेट करते अब देखो ध्यान से अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स को हम लोगों ने बोर्ड की हेडिंग में पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया इसकी हेडिंग में बोर्ड की हेडिंग बनाई और उसमें पांच पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया रूपिता कहती है एलओडीआर का कंपाइलेशन मैं दूंगा आपको रूपिता टेंशन आ लीजिए बिल्कुल भी और हम लोगों ने इसको बोला लाइक बोर्ड स्किल्स बोर्ड Appointment or board induction and training for board meetings. एंड देन बोर्ड इंडिपेंडेंस ये पांच चीजें आप लोगों सर बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है और जैसा कि सुधांशु ने बोला हम इसको नाम दे सकते हैं मिठास जिसमें एम का मतलब मीटिंग आई का मतलब इंडिपेंडेंस टी का मतलब ट्रेनिंग ए का मतलब अपॉइंटमेंट और एस का मतलब स्किल्स ये पांच एलिमेंट्स आपको याद करने से थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे सर बिल्कुल ठीक बात है इसके बाद मैं आपको चार पॉइंट और सिंपल से बताता हूँ महिमा कहती है सर प्रॉपर्ली स्क्रीन विजिबल नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए महिमा महिमा आप ऐसे करो एक बार फीड को क्लियर करो मतलब ऐप को हटाओ और वापस उसको रिस्टार्ट करो आई थिंक सो की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए या फिर आप रेजोल्यूशन को बढ़ा लो अगर आप थोड़ा सा बढ़ा पाओ तो चलिए नीचे आते हैं सर इजी इजी पॉइंट में बता रहा हूं आपको बहुत सिंपल सिंपल जो करने बहुत आसान है है ना टोटल पॉइंट हमारे पास पंद्रह है पांच हुए हैं चार अभी देखो दोन में हो जाएंगे देखो पॉइंट नंबर ट्वेल्व देखा फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तब माना जाएगा जब वो अपनी रिपोर्टिंग बहुत सही मैनर में करे अच्छा वो रिपोर्टिंग सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट की नहीं अपने ऑपरेशनल एस्पेक्ट की वो क्या काम कर रहे हैं लिखा था बोर्ड रिक्वायर्स कॉम्प्रीहेंसिव रेगुलर रिलायबल टाइमली करेक्ट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यानी एक बोर्ड को क्या चाहिए सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंसिव मैं मतलब एक जगह एकजुट होकर रेगुलर रिलायबल टाइमली करेक्ट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म एंड ऑफ अ क्वालिटी दैट इज अप्रोप्रिएट टू डिस्चार्ज इट्स मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस यानी बोर्ड कह रहा है हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऐसे नहीं कि रॉ इन्फॉर्मेशन दे दो उठा, उठा के डेटा दे दो

अगर वो बहुत एक्सटेंसिव है ना बहुत फैलाव है अगर उसका तो सर उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा और जो की आस्पेक्ट है वो अनटच्ड रह जाएंगे तो हमको मेन फोकस ही मटेरियल इंफॉर्मेशन पे करना चाहिए तभी लिखा द रिपोर्ट एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द मैनेजमेंट मस्ट बी कॉम्प्रीहेंसिव बट नॉट सो एक्सटेंसिव एंड डिटेल सो एज टू हैजर द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द की वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं होनी चाहिए सर कि उसकी वजह से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही छूट जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर और बोर्ड मीटिंग से पहले ही बोर्ड को ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी दीजिए ये, ये जिससे कि उसके एनालिसिस कर पाए और डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा पाए ठीक सर मॉनिटरिंग द बोर्ड परफॉर्मेंस इट इज हाईली रिक्वायर्ड कि सर बोर्ड की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाए अच्छा बोर्ड के डायरेक्टर्स का हर एक डायरेक्टर का इंडिविजुअल इवेलुएशन होना भी जरूरी है बोर्ड एज अ होल कलेक्टिवली उसका कलेक्टिवलीवेलुएशन होना भी जरूरी है बोर्ड के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इवेल्यूएशन होना भी जरूरी है क्योंकि अगर हमने इवेल्युएशन नहीं किया तो हम इंप्रूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे तभी लिखा था बोर्ड मस्ट मॉनिटर एंड इवेलुएट बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है कि वो मॉनिटरिंग करे और इवेल्यूएशन करे किसका इट्स कंबाइंड परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो डेट ऑफ द इंडिविजुअल डायरेक्टर्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स अपना खुद का एज अ होल भी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस इवेल्युएट uh, करे और साथ ही साथ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का भी इवेल्युएन करें यूजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंडिकेटर्साइड स्पीड रिव्यू जिसमें हम लोग फोकस करें किस पे कि जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और उन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम लोग शॉर्ट में के भी बोल देते हैं के और उन और फोकस करके हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो बोर्ड हमारे यहां पे काम कर रहा है वो इफेक्टिवली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा एंड देन लास्ट में आता है ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम लोग को अलग से करने की जरूरत है नहीं इस वजह से हमारे पास चार पॉइंट और कवर हो जाते हैं यहां पे कौन कौन से चार पॉइंट हमारे पास यहां पे कवर हो जाते हैं और कौन कौन से तो एक आया फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग बोर्ड परफॉर्मेंस <laughs> मॉनिटरिंग बोर्ड परफॉर्मेंस ऑडिट कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट ये तुम लोग इधर बच्चे जो है ना ऑनलाइन क्लास लाइव नहीं अटेंड करते ये बड़ी गलत बात है बाद में देखने का पता नहीं क्या मजा आता है अरे भाई लाइव हो रही है लाइव करो पहले वो जरूरी नहीं सर हम बाद में देखेंगे आराम से अपनी कन्वीनियंस अभी क्यों टाइम वेस्ट करें बाद में स्पीड बढ़ा के देखेंगे ठीक बात है सर चलो बिल्कुल ठीक बात है अब हमारे सामने टोटल नौ तरीके के देखें अगर आप तो हमारे पास नौ तरीके के एलिमेंट्स कवर हो गए बिल्कुल ठीक बात है इसके अलावा जो एलिमेंट्स दिए हैं ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है या किए नहीं जा सकते बिल्कुल करने होंगे बट मेरे को लगता है कि ये अगर हम लोगों ने नौ पॉइंट कवर कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में किसी तरीके के क्वेश्चन को अटैम्प करने में अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ सर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे जरा और उस क्वेश्चन को देख कर आप बताएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना चाहिए ठीक है हाँ बाद में देखने में तो आलस आता ही ये सही बात है तो बाद में बताए क्या होता है वो सिर्फ खाना पूर्ति होती है खाना पूर्ति कौन ना समझते हो कि सिर्फ खाली बस फॉर द नेम्स एक कर लेते हैं बट वो मज़ा नहीं आ पाता है ना चलो लिखा है आपके सामने एक क्वेश्चन लाइक गुड कॉर गुड कॉर्पोरेट्स आर नॉट बॉन्ड कह रहे हैं सर जो गुड कॉर्पोरेट्स है ना वो ऐसा नहीं कि अपने आप पैदा हो जाते हैं गुड कॉर्पोरेट्स आर नॉट बॉन्ड बट आर मेड बाय बट आर मेड बाय कंबाइंड एफर्ट्स बट आर मेड बाय कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स यार जो गुड कॉरपोरेट होते हैं वो अपने आप नहीं बन जाते सर बनाना पड़ता है ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल स्टेक होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज कह रहे हैं इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट उट एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया कह रहे इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपसे एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं आपसे क्या पूछे जा रहे हैं एलिमेंट्स अब देखो ध्यान से यहां पर लिखा बोर्ड अब बोर्ड के केस में ना आप पॉइंट लिख सकते हो भाई बोर्ड स्किल बोर्ड इंडिपेंडेंस बोर्ड इंडक्शन बोर्ड परफॉर्मेंस बोर्ड के अपॉइंटमेंट ये बिल्कुल लिख सकते हो लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे भी लिखने होंगे जो किसी दूसरे एस्पेक्ट को कवर करते हैं जैसे ऑडिट कमेटी लिखिए हाँ ये देखिए आपके सामने आता है बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन ये आपका रेफर कर रहा है सोसाइटी को और तभी देखिए क्या लिखा क्या अरे वैसे तो हम ऐसे बोलें तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक बिजनेस एंटिटी वर्क करती है तो उसका बेसिक इंटेंशन प्रॉफिट कमाना ही होता है ये बात बिल्कुल सच है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी करने आई है और वो पैसा ही कमाएगी लेकिन जिस मॉडर्न एनवायरमेंट में वो बिजनेस कर रही है वहां पर सोसाइटी की रिसोर्स का इस्तेमाल किए बिना वो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जिस सोसाइटी की रिसोर्स का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रही है भाई उस कम से कम उस सोसाइटी की तो इज्जत करे तभी लिखा तो बेसिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज इनहेरेंटली कमर्शियल यार ये वैसे तो बेसिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं बिजनेस एंटिटी की तो क्या वो कमर्शियल है येट फिर भी उसके बावजूद इट मस्ट आल्सो टेक केयर ऑफ कम्युनिटीज ऑब्लिगेशन लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी के कमर्शियल एस्पेक्ट को ही नहीं देखना है सर हमको एक पर्टिकुलर

कि क्या प्रपोज्ड इनिशिएटिव्स हैं क्या ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स हैं जो कम्युनिटी के ऑब्लिगेशन के रिगार्डिंग पूरे किए जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है सर उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी बेटा कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछिएगा अच्छा आपके सामने एक पॉइंट और लिखा है सर लिखा है मैनेजमेंट इन्वायरमेंट ये मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का मतलब क्या है मैनेजमेंट एनवायरमेंट का मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जहां पर सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पूरी नॉलेज हो जहां सबको ये पता हो कि एक्चुअल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या देखिए पूरा एक स्टेटमेंट है लेकिन इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ध्यान से होगा मैनेजमेंट एनवायरमेंट इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको सेटअप करने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ये हम एक्चुअल में अचीव क्या करना चाहते हैं हम किसको ध्यान में रख के बिजनेस कर रहे हैं एंड अप्रोप्रिएट एथिकल फ्रेमवर्क और यह भी ध्यान रखना होगा कि जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं ना वो एथिकली करना चाहते हैं इसके लिए हम प्रॉपर प्रोसेस बनाएंगे स्टैब्लिशिंग ड्यू प्रोसेस प्रोवाइडिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर इनंसिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से मेंटेन रखेंगे और हर एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता होगा इंप्लीमेंटिंग साउंड बिजनेस प्लानिंग इंकरेजिंग बिजनेस रिस्क असेसमेंट having the right people at the right skill for the job establishing clear boundaries for acceptable behavior establishing performance evaluation measures ये responsibility है किसकी management की अगर ये सारी चीजें हम present करें तो एक मैनेजमेंट एक्चुअल में इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है अपॉइंट किया गया है और उसका यही रोल है सर ये उसकी रोल है जो उसको परफॉर्म करनी है सर ठीक है तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स पढ़े पहले लिखा लेजिस्लेशन तो लिखा क्लियर एंड लेजिस्लेशन कह रहे हैं इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो रेगुलेशंस होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए उसमें किसी तरीके का डिलेमा नहीं होना चाहिए मतलब एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के दो मीनिंग नहीं निकलने चाहिए एंड लेजिस्लेशन डेट रिक्वायर्स कंटिन्यूइंग लीगल इंटरप्रिटेशन और इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ऑन डे टू डे बेसिस कैन बी सब्जेक्ट टू डिलीवरेट मैनिपुलेशन और इन एडवर्ड मिस इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं ऐसी रजिस्ट्रेशन जहां पर बार बार रेगुलर लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े या डे टू डे बेसिस पे उसको इंटरप्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो वहां मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए क्लियर कट मीनिंग निकलना चाहिए जिससे कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा लेजिस्लेशन है तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाया है तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स है सर जो हम लोगों ने कवरअप किए हम लोगों ने मेरे लो को लगता है कि ऑलमोस्ट दो तीन एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे ही एलिमेंट कवरअप किए हैं ठीक है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर ये जेनविनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको ये जरूर से करना है ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपसे और भी पूछता हूँ सर एक क्वेश्चन में आपसे और भी पूछता हूँ देखो बहुत सिंपल सा है मैं बहुत लंबा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा सिंपल से क्वेश्चन को आपको पूछता हूं ऐसे बोलता हूं स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड एफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हां आपसे पूछा गया कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ करैक्टरिस्टिक बताइए और यहां पे आपको जो करैक्टरिस्टिक लिखनी है ना सर वो वही लिखनी है सर स्किल इंडक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इंडिपेंडेंस अपॉइंटमेंट यही पॉइंट लिखने से ठीक है बासवी में आती है और एक लिखना चाहें तो बोर्ड मीटिंग भी लिख सकते हो बोलो बेटा क्लियर है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको इस तरीके से उसका आंसर देना होगा आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गई होगी बोलो बेटे बोल दो यार ऐसे नहीं बैठो यार सर ऐसे नहीं किया तुम। चलो अगला क्वेश्चन आता है सर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है सर एडवांटेजेस ओ माय गॉड एक तरफ हम एडवांटेजेस करेंगे एक तरफ हम क्या करेंगे एडवांटेजेस और एक तरफ हम करेंगे नीड एक तरफ हम क्या करने जा रहे हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक जगह हम करेंगे नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दोनों को कोशिश करेंगे कि एक साथ कवर अप करने की कोशिश करें और एक तरफ बात करेंगे नीड की कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकते हो भी यहीं पे दो मिनट का टाइम ले लो दो मिनट का टाइम ले लो पानी वानी पी लो और एक बार एलिमेंट्स पढ़ लो इवोल्यूशन कर लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन देख लो कुछ पूछना तो बताओ रोबिता जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं ना वो क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है दोज क्वेश्चन आर नॉट लाइक दैट टू इम्पोर्टेंट जेनविनली मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कराना नहीं चाहता या मैं आपने ये नहीं कह रहा कि आप करो ही करो या ना करो बट वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं उससे बेटर है कि आप स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि, कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं अगर आपके सामने एक दोन से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको अटेंड कर पाओ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को है बाकी फिर भी अगर आप बोलोगे तो अभी क्लास के बाद हम लोग जरूर से क्वेश्चन को देख लेंगे कि बुक के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन दिए होंगे इट्स नॉट लाइक कि हम उसको इग्नोर करके चलेंगे कर लेंगे साथ ही में भी ठीक है बढ़े आगे फिर बेटा आप को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को बस मैसेज करिएगा ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है चलो सर पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं सर कहाँ करें मैसेज जा रहे बेटा मेरे को करना मैं मैसेज आपको करता हूँ इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना आप एक बार देखो कनेक्शन सही आ रहा है ना हाँ सही आ रहा होगा चलो पहले नंबर पे आते हैं सर एडवांटेजेस की बात करते हैं बहुत सिंपल सिंपल एडवांटेज पहला नंबर एडवांटेज बोलते हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो इट इंश्योर्स इट इंश्योर्स कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज क्या लिखा it ensures corporate success तो corporate है इंश्योर्स कॉर्पोरेट सक्सेस और इकोनॉमिक ग्रोथ तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है यह उसका एक एडवांटेज है ठीक सर फिर तो हम लोगों ने बोला जो साउंड लाइक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर है तो इट मेंटेन्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस सर अगर गुड कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स अगर एक्चुअल में आप फॉलो कर रहे हो तो मेंटेन हो जाते हैं इससे क्या इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर जिसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है ना भाई वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है अच्छा एक बार अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना तो इन फ्यूचर आपको जब भी कैपिटल वगैरह रेस करनी होगी तो बहुत ईजिली आप उसको रेस कर पाएंगे ठीक बात है थर्ड नंबर थर्ड नंबर इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है सर पॉजिटिव इंपैक्ट किस चीज पर ऑन शेयर प्राइस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट है आपकी कंपनी के शेयर प्राइस पे। आपकी कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा नहीं वो हमेशा इंप्रूव कर रहा है देन हेल्प्स इन ब्रांड फॉर्मेशन ये जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटीज़ है ना सर ये आपको मदद करती है किसमें ब्रांड फॉर्मेशन में एंड डेवलपमेंट ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट फिर उसके बाद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना ये मिनिमाइज करती है इट मिनिमाइज वेस्टेजेस इट मिनिमाइज वेस्टेजेस करप्शन रिस्क एंड मिसमैनेजमेंट करती है वेस्टेज करप्शन रिस्क और मिसमैनेजमेंट तो ये इस कॉरपोरेट गवर्नेंस के कुछ एडवांटेजेस हैं अगर हम बुक्स में देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम तरीके से आपके में भी पर लिखे बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे होंगे ये देखिए Because some of the salient advantages of corporate governance, good corporate governance, ensures corporate success and economic growth. It maintains investors' confidence, or as a result of which, a company can raise capital effectively and efficiently. It has a positive impact on share price also. It minimizes wastages, corruption, risk, and mismanagement. It helps in brand formation and development. कह रहे हैं ये इंश्योर करता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज मैनर कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है दैट इट फिट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल कि जिससे हर एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा और फुलफिल होगा बिल्कुल ठीक बात है तो ये हमारे हमारे सामने हम लोगों ने कुछ छह तरीके के एडवांटेजेस पढ़े एंड दैट इज मोर देन इनफ इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन बोलूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है नु, 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 लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखिएगा यही लिखवा देता हूँ मैं एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे अब ध्यान से देखिए कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है और आंसर में आपको क्या लिखना है क्योंकि मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता कि क्या लिखा जाए तो लिखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंटीग्रल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है सर वो इंटीग्रल पार्ट है किस चीज का टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी क्या बोला जा रहा है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है सर वो एक इंटीग्रल पार्ट है एक कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए उसके बिना शायद एक कंपनी की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है और यहां पे आपको आंसर क्या देना है एडवांटेजेस बोलो बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं नीड की बात करते हैं नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो यहां पे भी वैसे एक स्टेटमेंट लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंटीग्रल टू एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एडवांटेजेस और नीड जब हम पढ़ेंगे ना तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर है यहां पे भी आप देखिए पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं देखो क्या लिखा है इन्वेस्टर्स ट्रस्ट अगर आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है वही बात देखिए सर वही बात देखिए तो लिखा एज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कैपिटल डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियट फंड कह रहे हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूश हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं खुद भी करते हैं नहीं तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के थ्रू भी करते हैं एंड दे लुक टू सी इफ वेल गवर्न कॉरपोरेट बोर्ड आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट और वो ये देखना चाहते हैं कि भाई वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं क्या उस कंपनी में इतने कॉम्पिटेंट बोर्ड है कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा तभी देखा इन्वेस्टर्स हुईड विद डिस्कलोजर एंड ट्रांसपेरेंसी एक्चुअल में दे आर लाइकली टू इन्वेस्ट ओपनली इन कंपनीज इन्वेस्टर चाहता है कि जो पर्टिकुलर कंपनी प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रही है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है उस कंपनी में इन्वेस्टर को पैसे इन्वेस्ट कर, करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती देखो मैं भी पहले सिंपल सिंपल वाली बातें बता दूं आपको कॉम्बैटिंग करप्शन अभी हम लोगों ने बोला था कि सर अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोसेस को बहुत अच्छे से इवेलुएट करके इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो आपका वेस्टेजेस मिनिमम हो जाता है रही है और पूरा डिस्कलोजर दे रही है किस चीज के रिगार्डिंग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोसीजर्सिंग ट्रांसपेरेंसी इन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड वेर करप्शन वुनली फेड अवे और वो एक ऐसे इनवायरमेंट पे वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहां पर पूरी तरीके से जो करप्शन है ना वो खत्म हो जाता है क्योंकि करप्टिव एक्टिविटीज तभी ज्यादा पनपती हैं ग्रो करती हैं जब ट्रांसपेरेंसी ना क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती है ना तो लोगों को डर बना रहता है कि कहीं हमारी बात सबके सामने ना आ जाए तभी जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनेबल्स अ कॉर्पोरेशन टू कॉम्पीट मोर एफिशियटली एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक्चुअली में कॉर्पोरेशन एक को Uh, बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पीट करने का मौका देती है और किसको रोकती है इट प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक बात है फिर लिखा कि सर अगर आपका गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना तो ऐसी सिचुएशन में आपको फंड्स रेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती खास करके इंस्टीट्यूशन है तो लिखा हम लोगों ने जैसे लिखा सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक इंक्रीज रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीड एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स साइज ऑफ द इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट चॉइसेस इंक्रीज कॉम्पिटिशन इंक्रीज रिस्क एक्सपोजर है यूज ऑफ कैपिटल मोर कॉम्प्लेक्स दे आर बाई इंक्रीजिंग द नीड ऑफ़ गुड कॉरपोरेट गवर्नेस यानी जैसे जैसे मार्केट में फाइनेंशियल इंटरमीडियट का रोल बढ़ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल बढ़ रहा है इंटरप्राइजेस के साइज बढ़ते चले जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट चॉइसिस बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है ऐसी सिचुएशन में कोई आपकी ही कंपनी को पैसा क्यों दे तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने गुड कॉरपोरेट गवर्नेस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है तो आपके लिए फंड्स को रेज करना आसान हो जाएगा तो देखा इन्हेंसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन जैसे ऊपर लेकर आते हैं शेयर वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो देखा इंप्रूव मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी इट फुलफिल्स इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑन दी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेशन जिसका रिटर्न क्या मिलता है उनको कि कॉर्पोरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब शेयर वैल्यू ऐसी सिचुएशन में सर बहुत रिस्क कम हो जाता है कॉर्पोरेट क्राइसिस का या स्कैंडल्स का क्योंकि अगर आप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये क्रिएट होना बड़ा मुश्किल है तभी देखा इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मिटिगेशन सिस्टम इन प्लेस और एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम अगर है इट मेक्स द बोर्ड ऑफ अ कंपनी अवेयर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मास्क रिस्क इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कह रहे हैं अगर एक्चुअल में ट्रांस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम चल रहा है तो बोर्ड बड़ी आसानी से अवेयर हो जाता है उन रिस्क से जो इन्वॉल्व होने वाली है एक स्ट्रैटेजी में तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमको रिस्क पता लग जाए तो हम उसकी मॉनिटरिंग करके उसको मिटिगेट कर सकते हैं लेकिन अगर हमने उसको पता ही नहीं किया तो फिर हम उसकी मॉनिटरिंग करके उसको करेंगे क्या तभी तभी हमारे सामने क्वेश्चन आता है सर अगला क्वेश्चन आता है जिसमें हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है देखिए मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देता हूं देखा है सर एल्यूसिडेट द फॉलोइंग एलुसिडेट द फॉलोइंग नीड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस ये तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हो क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड होता होताइए सेकेंड सेकेंड हाउ इंपॉर्टेंट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है third discuss the various factors which add greater value through good governance इन सारे ही क्वेश्चन में आपको आंसर किसका लिखना है सर नीट का एक बार पढ़ लीजिए सर एडवांटेजेस भी देख लीजिए नीट भी देख लीजिए उसके बाद हमारा एलिमेंट तक का सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट रह जाएंगी कि किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बट एक बार पहले इसको आप पढ़ लीजिए कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछिए सर इन तीनों से पहले वाला क्वेश्चन भी नीट का था या इम्पोर्टेंस का नहीं वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो एडवांटेजेस के लिए लिखा हुआ था हम लोगों नीट के वन लाइन पॉइंटर बना दे, दे लिख लीजिए देखो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ देखो क्वेश्चन शिल्पा मैं आपसे बताता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझना होगा कि वो नीट्स या एडवांटेजेस किसकी बात कर रहा है मैं आपको बताता हूँ अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि क्या आपको लगता है कि मार्केट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए तो आप उसकी नीड बताइए और आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि अगर मार्केट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो उसके क्या फायदे हैं तो दो अलग अलग बातें नीड स्टार्टिंग स्टेज है कि हमको क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए वाई डू वी नीड इट क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीड ठीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर लिया तो अब उसके क्या फायदे नजर आ रहे हैं एडवांटेजेस ये बात हमारे लिए ध्यान रखने वाली है ठीक है सर फिर हम आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं सर नीड की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं नीड की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर इट इन्हैंसेस इन्वेस्टर्स ट्रस्ट second second it improves corporate performance third it helps in combating corruption It helps in raising easy finance. It helps in raising easy finance from institutions. It helps in enhancing. It helps in enhancing. एंटरप्राइज वैल्युएशन इट रिड्यूसिस रिस्क ऑफ कॉरपोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स स्कैंडल्स की जगह आप अगर वर्ड स्कैम भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ठीक है एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास और दिया हुआ है सर एक बार जरा हम इसको भी देख लेते हैं मैं एक बार आपको मॉड्यूल में भी दिखा देता हूँ देखो अब मॉड्यूल में हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया है एडवांटेजेस हो गए हैं नीड हो गई है एलिमेंट्स हो गए हैं ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी इसमें कुछ भी नहीं बचा इवोल्यूशन में एजेंसी थ्योरी हो गई है शेयर होल्डर स्टेक होल्डर स्टीवरशिप थ्योरी हो गई है ये सारा कंटेंट हो गया हमारा हमारे हाँ, पास अब बचा सर एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए क्या लिखा है मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप का कंसेप्ट एक लिखा हुआ है आपके सामने और एक लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटी रूल वर्सेस माइनॉरिटी रूल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर और मैं इसके बारे में सीधे आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक से पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं तो चल अगर मैं बोलूं तो देखिए आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट हाँ मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप दोनों में फर्क तो है सर ओनरशिप का मतलब है एक तरीके से वो लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक लिया हुआ है और मैनेजमेंट का मतलब वो लोग जो उसी शेयर होल्डर के बिहाफ पे अपॉइंट किए गए हैं तो लिखा था शेयर होल्डर्स वेस्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कह रहे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने बिजनेस का कंट्रोल किसको दे दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड हु हुई स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट टू रन द बिजनेस और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं स्पेशलाइज इंप्लॉयिज हायर करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए एंड रिटर्न द प्रोफिट ऑफ द बिजनेस बैक टू द शेयर होल्डर्स इसका शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया बोर्ड को बोर्ड ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ने पैसा कमाया रिटर्न मिला शेयर होल्डर को सीधी सीधी सी बात तो पहले नंबर पे आया शेयर होल्डर शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को ठीक कह रहे हैं कंपनी लॉज सेंट्रल सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इन कंपनीज़ कंपनी लॉ ने इस डिलेमा को खत्म करने की कोशिश की ये बता करके कि ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है ऑन द वन साइड आर शेयर होल्डर्स दे आर देर एज ऑस्टेंसिबल ओनर्स वेल ऑन द अदर हैंड आर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स द शेयर होल्डर्स ऑस्टेंसिबल फिडिशरीज एंड बिटवीन देम दम इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है ना वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो मैनेजमेंट है एक तरफ शेयर होल्डर है बीच में कौन आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीच में कौन आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ओन ऑफ द शेयर होल्डर्स देखा जाए तो एक्चुअल में कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर्स ही हैं तो कंपनी काम भी फिर किसके कहने पे करनी चाहिए शेयर होल्डर के कहने पे बट प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट क्योंकि शेयर होल्डर तो बड़े स्कैटर्ड है हाउ इट इज नॉट प्रैक्टिकबली पॉसिबल फॉर ईच शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन डे टू डे बेसिस बट अगर मैं बोलू कि शेयर होल्डर डे टू डे बेसिस पे पार्टिसिपेट करेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है और साथ ही साथ शेयर होल्डर तो आम आदमी भी, भी है सर शेयर होल्डर्स जनरली कैन नॉट नो एंड मैनेज द डिफुल डिटेल्स ऑफ कॉरपोरेशन बिजनेस और ना ही वो ऐसा चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना काम कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक गुड कॉर्पोरेट पॉलिसी इसीलिए वो कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाने के लिए किसको कर देते हैं बोर्ड को ठीक बात है इसीलिए हम बोलते हैं कंपनी अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ओनर मैनेजमेंट नहीं संभालना चाहते मैनेजर नहीं बनना चाहते और मैनेजर ओनर नहीं बनना चाहते बट इन मोस्ट स्मॉल कॉर्पोरेशन द ओनर टिपिकली मैनेजेज द कंपनी बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनर रन द कंपनी और आर इवन इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर्स लेकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को दे देते हैं आप संभालिए है, हमको रिटर्न मिलना चाहिए डेट सेट कैरे मैनेजर्स फीयर रिस्क मोर देन शेयर होल्डर्स टू बिकॉज मैनेजर्स कैन नॉट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज शेयर होल्डर कैन डायवर्सिफाई देर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एक्चुअल में देखा जाए तो जो रिस्क है ना वो ज्यादा मैनेजमेंट का है मैनेजर का है क्योंकि शेयर होल्डर का क्या है यहां कंपनी से पैसा निकाला कल दूसरी कंपनी में डाल दिया बट मैनेजर की तो जिंदगी खराब हो जाएगी तभी लिखा मैनेजर्स देयर फोर परस्यू ग्रोथ देन मैक्सिमम शेयर वैल्यू इसीलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं बिल्कुल ठीक बात है तो ये हमारा है किसके बीच में मैनेजमेंट और ओनरशिप के बीच में फिर इसी तरीके से हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आता है मेजोरिटी रूल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट सर बिल्कुल तय है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनेशन होती है और वो डोमिनेशन होती है बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इसीलिए कंपनी नॉम में कॉन्सेप्ट हैं मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन के जिसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है लिखा एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विद नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ये हम लोग को पता है इट फंक्शंस थ्रू द इंस्ट्रूमेंटालिटी

इसीलिए देखा गया है कि जिसके पास कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स वो एक्चुअल में कंपनी को कंट्रोल करता है और वो जैसे चाहता है वैसे उसके अफेयर्स को कंट्रोल कर लेता है इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है ना सर वो एक्चुअल में मेजोरिटी शेयर होल्डर के हाथों में कठपुतली बनी हुई है ठीक सर अरे वैसे तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर डिसीजन मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने ले लिया तो हम बीच में टांग नहीं लड़ाएंगे मेजोरिटी शेयर होल्डर का लिया हुआ डिसीजन पत्थर की लकीर है तभी लिखा द रूल ऑफ मेजोरिटी वॉज इस्टिश बैक इन एटीन फोर्टी थ्री इन द केस ऑफ फॉस वर्सेज हार्बोटल, वेर इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट द कोर्ट वुड नॉट जनरली इंटरफेयर साफ साफ कोर्ट ने बोला कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी

फ्रॉड करते हो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करते हो तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में हम आपको बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में हम आपको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे भले ही आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही क्यों ना हो लेकिन अगर आपने एम ओ का ब्रीच किया फिडिशरी ड्यूटीज का ब्रीच किया फ्रॉड किया ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किया नोटिस नहीं दी शेयर होल्डर्स को ऐसी सिचुएशन में सर हम आपको कभी भी मेजॉरिटी होने का बेनिफिट नहीं देंगे तो इसका मतलब वैसे तो ये हो गया कि अगर आप मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं तो आप जो चाहें वैसे बिजनेस कर सकते हैं जो डिसीजन लेना चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर 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 ये ध्यान रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट का मिस किया या उनको एक्सप्लॉयड करने की कोशिश की तो इन दट सिचुएशन ये हंड्रेड तय है कि मेजोरिटी होने के बावजूद आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है ये बात ध्यान देने वाली होगी सर ठीक है बात तो ये आपके सामने दो कंसेप्ट थे एक मैनेजमेंट ओनरशिप का और एक माइनॉरिटी मेजोरिटी का तो आप एक बार इसको भी पढ़ेंगे सर इसके बाद अब हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर के सिर्फ दो कंसेप्ट रहते हैं सर एक देखिए लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स इन मेजर जोरिस्डिक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड और एक हम पढ़ेंगे सर कि इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बोलो दस मिनट का ब्रेक मैं दे रहा हूं आपको दस मिनट का लेकिन कहीं जाइएगा नहीं यहीं बैठिएगा दस मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं बस अभी हुआ है बारह बज के मिनट बारह बज के पंद्रह मिनट तक दस मिनट का ब्रेक आपको मैं दे रहा हूं। इस दस मिनट के अंदर जितना कंटेंट अभी तक किया हम लोगों ने पूरा रिवाइज करिए उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे पंद्रह दस मिनट के अंदर इसको रिवाइज करिए बेटा मैं सामने ही हूँ आपके फटाफट से रिवाइज करिए इसके हेलो हाँ जी आ जाओ भाई वापस सारे दिया तुम सब लोगों ने बढ़े आगे सबसे पहले सर हमारे सामने आता है एक कानून जिसको हमने नाम दिया सारबेंस ऑक्सले एक्ट आई इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जनरली इंपॉर्टेंट शुरू करें चलो भाई तो पहले सबसे पहले सारबेंस ऑक्सले एक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद में इसके तुमको जो हाईलाइट है वो अलग से कॉपी में लिख पाऊंगा शॉर्ट में समराइज में तो कह रहे हैं सर सिर्फ ऑक्सले एक्ट है ना ये कंपनी लॉ की तरीके से यूके का यूएस में बना हुआ लॉ है कह रहे ध्यान से देखिए कैलिफा लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द दस ऑक्सले एक्ट

एंड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसीपोरेट डिस्कलोजर्स और वह इस एप के थ्रू क्या इंप्रूव करना चाहते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी जो कॉर्पोरेट जो डिस्कलोजर्स है ना उनकी एक्यूरेसी के एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक्चुअल में डिस्कलोज की जाए कह रहे दो पर्टिकुलर पर्सन जो कांग्रेस गवर्नमेंट के वहां के कांग्रेस गवर्नमेंट के पर्सन एक का नाम लिखा है पॉल सार्स और एक का नाम लिखा है माइकल ऑक्सले ड्राफ्टेड द एक्ट विद द गोल ऑफ इंप्रूविंग कारपोरेट गवर्नेंस इन्होंने ये लॉ बनाया किस लिए था कि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं <laughs> क्योंकि उस टाइम पे यूएस में बहुत तरीके के फ्रॉड्स हुए थे ठीक है सर कह रहे आगे बढ़े तो लिखा द एक्ट सेट डेडलाइंस फॉर कंप्लायस एंड पब्लिशर्स रूल्स ऑन रिक्वायरमेंट्स यार इस एक्ट में बहुत सारी डेडलाइंस मेंशन की कि आपको इन कंप्लाइंस को इन डेडलाइंस के रहते कंप्लीट करना है एंड द एक्ट मैंडेटेड रिफॉर्म्स टू इनहेंस कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी और इस एक्ट ने बहुत तरीके के नए नए रिफॉर्म्स पैदा किए जिससे कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव हो फाइनेंशियल डिस्कलोजर इंप्रूव हों कॉरपोरेट और अकाउंटिंग फ्रॉड खत्म हुए And also created, इन्होंने एक बोर्ड भी बनाया जिसको नाम दिया अकाउंटिंग ओवरसाइड बोर्ड में दिया पीसीए बी पब्लिक ओवरसाइड बोर्डिटीजिंग प्रोफेशन कह रहे हैं जो ऑडिटर्स है ना उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बट वो अपना रोल सही तरीके से निभाते नहीं है अगर ऑडिटर्स सही तरीके से ऑडिट करे तो कोई भी फ्रॉड एक साल से ज्यादा नहीं टिक सकता क्योंकि वो एक्चुअल में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज अगर हो रही होंगी

वैसे तो ये कंपनीज के लिए बनाया गया है बट कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो प्राइवेटली अप्लाई हो जाते हैं अगर मैं इसमें आपको ये आपको एक्चुअल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कंटेंट इसका ध्यान रखना है तो हम लोगों ने बात की है यूएसए की और हम पढ़ रहे हैं सारबेंस ऑक्सले एक्ट 2002. हम बात कर रहे हैं यूएस की और हम पढ़ रहे हैं सार्वेंस ऑक्सले एक्ट टू और हम लोगों ने बोला ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर लॉ का इस पर्टिकुलर लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है टू तो प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक फ्रॉम अकाउंटिंग एरर्स एंड फ्रॉडलैंड प्रैक्टिस कह रहे हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे किसको शेयर होल्डर्स को जनरल पब्लिक को किस चीज से फ्रॉम अकाउंटिंग एरर्स एंड फ्रॉडलैंड प्रैक्टिस और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव द एक्यूरेसी सॉरी ये इंप्रूव करना चाहते हैं क्या एक्यूरेसी ऑफ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सके बिल्कुल ठीक ठीक बात है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है एक थर्ड टू इंप्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ये इंप्रूव करना चाहते हैं क्या कॉरपोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी ये इनके तीन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया बिल्कुल ठीक बात है इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए इनमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए इनिशिएटिव्स में सबसे पहले इन्होंने एक बोर्ड बनाया जिस बोर्ड को इन्होंने नाम क्या दिया पहले नंबर पे फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ पी फाउंडेशन ऑफ पी सी ए बी पी सी ए बी क्या है तो हम लोगों ने बोला पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड किस चीज के लिए बनाया गया सर इसको टू ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन हम ऑडिटिंग प्रोफेशन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं ठीक है सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर Enhancement of financial disclosures. Enhancement of financial disclosures. Third, combating corporate and accounting frauds. Combating, corporate and accounting frauds. तो ये ध्यान रखने वाली बात है सर ये मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर इस पूरे कंटेंट को एक हम लोगों ने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या है और एक हम लोगों ने बोला इनिशिएटिव क्या है अब अगर हम ध्यान से देखें सर तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो नीचे कुछ समरी दी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बट ये सारे सेक्शन आपको याद नहीं करने हैं सारे सेक्शंस से आपको याद नहीं करने मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन-कौन से याद हम ठीक है सही इंफॉर्मेशन लिखी थी आपने चेंज करने की कोशिश की गलत डाल दी तो दिस सेक्शन स्पेसिफाइज पेनल्टीज फॉर नोइंगली ऑल्टरिंग डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑन गोइंग लीगल इन्वेस्टिगेशन

ऑफ पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज हु प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फ्रॉड विसल ब्लोअर विसल ब्लोअर एक पर्सन है ही उसका नाम ही इसीलिए रखा गया विसल ब्लोअर वो सीटी बजा के लोगों को बताना चाहता है कि भैया फ्रॉड हो रहा है देखो हम तुमको बता रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर जो विसल ब्लोवर्स होते हैं ना एक्चुअल में उनकी लाइफ को थ्रेट होता है जो विसल ब्लोवर्स होते हैं ना उनकी नौकरी जा सकती है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया

किस चीज के लिए आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कमिट करना चाहते हो तो लिखा इट इज अ क्राइम फॉर एनी पर्सन टू करप्टली ऑल्टर डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट और कंसील एनी डॉक्यूमेंट कह रहे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये क्रिमिनल एक्टिविटी मानेंगे अगर उसने जान बूझ के करप्टिव इरादे से कुछ ऑल्टर करने की कोशिश की कुछ डिस्ट्रॉय की किसी चीज को खत्म करने की कोशिश की छुपाने की कोशिश की विद द इंटेंट टू इंपेयर द ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी फॉर यूज इज एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग क्योंकि आप एक्चुअल में सच्चाई छुपाना चाहते हो क्योंकि आप एक्चुअल में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं लेकर आना चाहते ठीक सर तो ये हो गया फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के रिगार्डिंग सेक्शन 906, एंड देन कम्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और यहां पे क्या लिखा कि अगर आपने रिपोर्टिंग करते समय सर्टिफाइंग असलीडिंग और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट मान लीजिए आपने सर्टिफाई की ऑडिटर हैं और आपने सर्टिफाई कर दी ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो फ्रॉडलेंट थी मिसलीडिंग थी तो आपके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टी लगेगी एंड अंडर सेक्शन नाइन जीरो सिक्स पेनल्टीज कैन बी अपवर्ड ऑफ फाइव मिलियन डॉलर्स इन फाइन एंड ट्वेंटी ईयर्स इन प्रेजेंट अब यही चार सेक्शन मैंने आपको पहले क्यों कराए इसके पीछे एक रीजन है वो रीज़न ये है कि यहां पे सेक्शन लर्न लर्न करना थोड़ा सा आपके लिए आसान है 802 सौ दो 906 तो आप इसको इजीली याद कर पाओगे इसलिए मैंने आपके सामने ये एक साथ रखे हैं देखेंगे अगर आप तो लिखा आठ सौ दो नौ सौ छः आठ एक साथ आपके लिए याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा ऊपर अगर मैं जाऊँ तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर पहले नंबर पे ये सेक्शन नंबर थ्री जीरो टू अगेन आपके लिए लर्न करना थोड़ा सा आसान रहेगा तीन सौ दो आठ सौ दो आठ सौ छ नौ सौ दो नौ सौ छह लिखा है सीईओ और सी एफ ओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिव्यू करें ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार हो रही है तो सीईओ सी एफ ओ को रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करें और ये ध्यान दें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में किसी भी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए हर तरीके की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट में शुड बी फेयरली प्रेजेंटेड फेयरली प्रेजेंटेड का मतलब सही तरीके से ट्रू एंड फेयर मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए एंड सी ओसीएफओ ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स और अगर किसी तरीके की डेफिशिएंसी मिलती है इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स में तो सीईओ सी एफ ओ को ही रिपोर्ट करना होगा एंड सीईओ ओ सी एफ ओ मस्ट इंडिकेट एनी मटीरियल चेंजेस इन द इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स तो ये तीनों चीजें जो हो गई ये किसके रिगार्डिंग हो गई इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स के रिगार्डिंग जिसमें बोला गया कि इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सीईओ और सी की और सीईओ ई सी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि कोई डिफिशियंसी निकले तो उसको रिपोर्ट करें सीईओ ओ सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स में अगर किस तरीके का वो चेंज करते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट करें और ऊपर की जो तीन पॉइंट है ये हो गए किसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट के रिगार्डिंग

कोई डिफिशेंसी होगी तो रिपोर्ट करेंगे कोई चेंजेस होंगे तो रिपोर्ट करेंगे बोलो बेटा के बाद से माती बोलो कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लो वरना हमारा इंफॉर्मेशन लगभग कंप्लीट है सर देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग लगभग सार्वन ऑक्सले एक्ट कंप्लीट कर लिया बस इतना ही है सर तो सार्वजन ऑक्सले एक्ट में हम लोगों ने सेक्शन अगर मैं बोलूं कौन कौन से आज प्रिपेयर करने की कोशिश की तो सेक्शन थ्री जीरो टू एट जीरो टू एट जीरो सिक्स नाइन जीरो टू नाइन जीरो सिक्स क्लियर है बेटा अच्छा आगे बढ़े सवारी बढ़ते हैं सर अगला कॉन्सेप्ट में हम जो पढ़ेंगे सर यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यहां पे नहीं करेंगे सर यूके वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हम करेंगे जब हम स्टेक होल्डर्स वाला चैप्टर करेंगे वहां पे और यहां पे ऑलमोस्ट देर सिमिलर बट उससे पहले आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं किसके रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग और बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से चल रहे और देखिए क्या लिखा ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल इन ऑगस्ट 2002 थाउजेंड टू इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस बिजनेसेस शेयर होल्डर्स इंडस्ट्री ग्रुप्स ईच ऑफरिंग ऑफरिंग वैल्यूएल इनसाइट्स एंड एक्सपर्टीज ऑन गवर्नेंस इश्यूज़ फ्रॉम द परपेक्टिव ऑफ देर पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स कह रहे ये पैराग्राफ आपको लेकिन याद नहीं करना है जो याद करना है भी मैं नोट करवा दूंगा आपसे पढ़िए बस खड़ी क्या लिखा है कि एक काउंसिल है सर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज की जिसको नाम दिया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल जो अगस्त तो, 2002 में जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के तो तौर पे बिजनेसमैन शेयर होल्डर्स इंडस्ट्री ग्रुप्स सबको एक साथ मिलाया और उन्होंने एक्चुअल में इन सब लोगों को मिलाने का मेन पर्पस ये था कि वो अपने अपने स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग अपने अपने पॉइंट रखें और हम उनके सामने एक गवर्नेंस इशू की प्रॉब्लम को रेस करें और इन्होंने उस टाइम पे रिकमेंड किया गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेशन दर टू थाउजेंड एंड थ्री जिसका एडिशन इू थाउजेंड से दो फिर 2017 में द काउंसिल एग्रीड इट वाज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू कमेंस वर्क ऑन फोर्थ एडिशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स एंड और फाइनली फोर्थ एडिशन 2017 में बोला गया कि हम रिवाइज करेंगे और एक्चुअल में 2020 में ये रिकमेंडेशन आई और तभी लिखा था एडिशन कम्स इनटू फोर्स फॉर फाइनेंशियल कमेंसिंग ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2020 अब यहीं से हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट होता है यहीं से हमारा मेन कंटेंट सर स्टार्ट होता है इसके अलावा जो ऊपर दिया हुआ था वो हमको लर्न नहीं करना सर ये हमको लर्न नहीं करना है सर बिल्कुल भी नहीं करना कोई काम का नहीं है ये ये इंपॉर्टेंट है सर कह रहे लिखा है जो ये फोर्थ एडिशन आया ना 2020 में ये बिल्कुल लेटेस्ट रिवाइज एडिशन है जहां पे हमसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशन की बात कही जा रही है देखा दीज प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन सेट आउट रिकमेंडेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉर एंटिटीज कह रहे जो ये प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशन थी है ना इन्होंने कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस रिकमेंड की उन एंटिटीज के लिए जो किसकी ऑफिशियल लिस्ट में है ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट में है एज एन एस एक्स लिस्टिंग रिगार्डलेस ऑफ द लीगल फॉर्म दे टेक वेदर दे आर स्टैब्लिश इन ऑस्ट्रेलिया और एल भले ही फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का हो या आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया का हो इट ड मैटर अगर वो ए एस एक्स पे लिस्टेड है

अगर करी तो ठीक नहीं की तो बताओ क्यों नहीं की इज फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन नहीं की कोई बात नहीं रीजन दे दो क्यों नहीं की दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट मार्केट रिसीव्स एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज गवर्नेंस अरेंजमेंट सो दैट इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैन हैव अ मीनिंगफुल डायलॉग विद द बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑन गवर्नेंस मैटर्स क्या इन गाइडलाइंस की वजह से एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंच जाती है जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स है वो एक मीनिंगफुल डिस्कशन कर पाते हैं मैनेजमेंट और गवर्नेंस के साथ, और के साथ बात है। अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिखते हैं सर लिखना बहुत जरूरी है और हम लोगों ने ऐसे बोला कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स And recommendations Australia. Fourth edition of Corporate Governance Principles. And recommendations. Fourth edition of Corporate Governance Principles and Recommendations commenced on or after 1st January 2020. तो मैं देखा एप्लीकेबिलिटी इन गवर्नेंस की एप्लीकेबिलिटी किनके किनके ऊपर है तो हम लोगों ने बोला जो एप्लीकेबिलिटी की बात है वो है एंटिटीज या ऑल एंटिटीज विच आर लिस्टेड ऑन ए एस एक्स लिस्टिंग वेदर दे आर इस्टैब्लिश्ड भले ही फिर वो कंपनी स्टैब्लिश्ड हो कहां पे इन ऑस्ट्रेलिया और एल्सवेयर फिर वो कंपनी भले ही ऑस्ट्रेलिया में बनी हो या कहीं और बनी हो तो फिर हम लोगों ने बोला These principles and recommendations, these principles and recommendations are not mandatory, are not mandatory. To adopt, but if not, why not approach? But if not, why not approach is fundamental to operations. ऑफ प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेश भले ही मैंनेडेटरी नहीं है बट इफ नॉट वाई नॉट का कॉन्सेप्ट जरूर एप्लीकेबल है कि फॉलो किया तो ठीक नहीं किया तो बताओ क्यों नहीं किया दिस अप्रोच इंश्योर्स This approach ensures that stakeholders must receive an appropriate level of information. अबाउट एंटिटीज गवर्नेंस arrangement बोलो बेटा क्या बात समय में आ रही है सर अगर मैं बोलू इन प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन की अगर मैं ऐसे बोलूँ ना स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस तो इन्होंने तीन तरीके से इसको बांटा है कितने तरीके से तीन तरीके से आठ तो सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं और हमारे सिलेबस में भी बस ये प्रिंसिपल्स ही हैं थर्टी फाइव स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं जो हमको नहीं करनी और तीन डिशनल रिकमेंडेशन जो भी हमको नहीं करनी ठीक है तो आठ प्रिंसिपल्स पैंतीस स्पेसिफिक कंडीशन और तीन एडिशनल रिकमेंडेशन कितना अच्छा लगता है ना सुधांशु जब ऐसे बोल दो कि ये नहीं करना है ऐसा लगता है ओ भाई चलो शुक्र कुछ तो छोड़ा कि जो नहीं करना है बदला गया पैंतीस रिकमेंडेशन दे दिया आईसीएस लो बेटा संभालो एक सेक्टर का मीनिंग यही है ना बिल्कुल ठीक बात है चल तो इन प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आठ प्रिंसिपल्स हैं सर और ये आठ प्रिंसिपल्स आपकी बुक्स में आपको दिए हुए हैं ये देखिए इतने डिफिकल्ट नहीं है सर बट डिफिकल्ट बताए खाली क्या है पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है लर्न करना डिफिकल्ट रहेगा बाकी अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कुछ अनोखी बात लिखी है या कुछ अलग से दे दिया है ऐसा कुछ नहीं बस कहानी वही है कि लर्न करने वाली कहानी है थोड़ी सी बस जो है है ना हाँ ये बात तो सही है सर और मैं समझ लो ये आठ प्रिंसिपल जो ये तुमको मैं करा रहा हूँ ना ये फर्स्ट टाइम रिवीजन में ऐसे मैं करवा रहा हूँ नोट्स बनवा के और लिखवा के हाँ, अब देखो ये आठ प्रिंसिपल्स क्या है तो पहले नंबर लिखा ले सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट सॉलिड फाउंडेशन का मतलब होता है है कि जो लिस्टेड एंटिटी ना सर वो क्लियरली बता दे अपने बोर्ड को और अपने मैनेजमेंट को कि भैया तुम्हारी क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और दूसरी चीज जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टाइम टू टाइम इवेलुएट करते चलो उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते चलो बस तो फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट कि भैया रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो और ओवरसाइड का मतलब क्या हो गया कि भैया उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते चलना क्या करते चलना रिव्यू तभी देखो लिखा अलिस्टेड एंटिटी शुड क्लियरली डिलीनिएट द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स बोर्ड एंड मैनेजमेंट क्लियरली क्लियरली बता दो लिखित में दे दो कि भैया रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी है क्या और एक तो बता दिया रेस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी और एक बता दिया रेगुलरली रिव्यू देयर परफॉर्मेंस एट टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते चलो दैट्स इट ठीक सर अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगा ठीक है नीचे आओ पहले लिखा स्ट्रक्चर द बोर्ड टू बी इफेक्टिव एंड ऐड वैल्यू करें आपके बोर्ड का स्ट्रक्चर का साइज उसमें अपॉइंटेड डायरेक्टर्स की स्किल्स उनकी नॉलेज इट शुड बी डाइवर्सिफाइड वो स्ट्रक्चर इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो वैल्यू एडिशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एडवांटेज तो पहुंचा सके तभी लिखा द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी शुड बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट साइज एंड कलेक्टिवली द स्किल्स कमिटमेंट एंड नॉलेज ऑफ द एंटिटी और उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंटिटी की एंड द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स टू एनेबल जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर पाए एंड टू एड वैल्यू और वैल्यू एडिशन कर पाए बहुत बढ़िया बात है सर लिखते चलते साथ ही में पहला प्रिंसिपल प्रिंसिपल नंबर वन ले सॉलिड फाउंडेशन For management and oversight. और यहां पे हम लोगों ने बोला दो चीजें होती हैं। पहला चीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट or second number pe. review the performance the so principle number two structure the board to be effective and add value Appropriate size, appropriate size, and knowledge of entity and industry in which it operates. Or second number pick value addition. Second number pick value addition. Third number. Like a install a culture of acting lawfully, ethically, and responsibly. Install mother like to install, like to incorporate, like to indulge. तो, acting lawfully, ethically and responsibly. तो, तो कुछ स्टेटमेंट में खास दिखानी की हेडिंग ही रह जाती है फिर लिखा सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट बनाई जा रही है कॉर्पोरेट डिस्कलोजर के थ्रू वो बहुत ही ऑनेस्ट होनी चाहिए ईमानदारी से बनाई जाए अप्रोप्रिएट प्रोसेस टू वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ इट्स कॉरपोरेट रिपोर्ट क्योंकि कॉर्पोरेट रिपोर्ट की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी मेक टाइमली एंड बैलेंस्ड डिस्कलोजर देखा लिस्टेड एंटिटी शुड मेक टाइमली एंड बैलेंसडि ऑफ ऑल मैटर्स बैलेंस डिस्कलोजर का मतलब ऐसा न हो कि आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी बट नॉन फाइनेंशियल दी नहीं नॉन फाइनेंशियल दी बट फाइनेंशियल नहीं दी तो देर शुड बी बैलेंस ऑफ ऑल मैटर्स कंसर्निंग इट डेट अ रीजनेबल पर्सन वुड एक्सपेक्ट टू हैव अ मटिर ऑन द प्राइस और वैल्यू ऑफ इट सिक्योरिटी खास करके उनको इन्फॉर्मेशन उस चीज के बारे में तो मिलनी चाहिए जिससे कि उनको यह समझ में आ जाए कि सिक्योरिटीज की प्राइस और वैल्यू में क्या फर्क होने वाला है बढ़ने वाला है घटने वाला है इसके रिगार्डिंग तो इनके तीन पॉइंट भी लिख लेते हैं प्रिंसिपल नंबर थ्री टू हैव अ कल्चर ऑफ एक्टिंग लॉफुली Ethically and responsibly. Principle number four to safeguard the integrity of corporate reports. टू सेव गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा प्रोसेस टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ कॉरपोरेट रिपोर्ट वे देन कम्स प्रिंसिपल नंबर फाइव

Which have a material effect, which have a material effect, which have a material effect on price or value of its securities.

कि वो फ्रेमवर्क इतनी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है एंड टू रेमरेट फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं उनकी वर्थ के अकॉर्डिंग उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या फेयर रेवेन्यू अर्न हो रही है या नहीं हो रही है तभी लिखा लिस्टेड एंटिटी शुड पे डायरेक्टर रेमोरेन सफिशियंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई क्वालिटी डायरेक्टर्स जो लिस्टेड एंटिटी है वो अपने डायरेक्टर्स को इतनी रेमोरेन पे करें कि हाई क्वालिटी डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर पाए और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपॉइंट ही करना है एक्चुअल में अपॉइंट करने के बाद वो रिटेन भी रहे और हाईली मोटिवेटेड भी रहे क्योंकि तभी एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो हम डिपेंडेंट हैं तभी लिखा प्रिंसिपल नंबर सिक्स जिसपे हम लोगों ने बोला रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स प्रिंसिपल नंबर सेवन Recognize and manage risk. Principle number eight: Remunerate fairly and responsibly. Remunerate fairly and responsibly. So these were our principles. Regarding. ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तो अभी तक हम लोगों ने दो कंट्री के किए सर यूएस और ऑस्ट्रेलिया है ना किसके किसके कर लिए यूएस के और ऑस्ट्रेलिया के तो एक सार्बन सॉक्सले एक्ट आक कर लिए और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रेकमेंडेशंस करी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसके रिगार्डिंग अभी तक आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया है लेट मी चेक एक क्वेश्चन आया सर आपके एग्जाम में डिस्कस इन ब्रीफ द फॉलोइंग क्या सार्बेंस ऑक्सलेयर 2002, तीन मार्क्स में क्वेश्चन आया सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है सर एल्यूसीडेट The Central Principles by ASX Elucidate the Central Principles by ASX Corporate Governance Council. एक क्वेश्चन ये पूछा गया ठीक है क्लियर है यहां तक बेटा कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए <coughs> इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज ओईसीडी प्रिंसिपल्स कौन से प्रिंसिपल्स ओईसीडी ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है ओईसीडी प्रिंसिपल डेट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया किसके लिए फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मैं एक छोटा सा आपको पैराग्राफ भी देता हूं इसका आप ऐसे लिखिए ओ ई सी डी इज अक फोरम वेयर द Governments of Thirty seven Democracies with Market based economies collaborate to develop. Policy standards to promote sustainable economic growth. क्या बोला हम लोगों ने एक छोटा सा ओपनिंग पैराग्राफ दिया मैंने मतलब ऐसे मैंने बोला कि जो ओ ऑर्गेनाइजेशन है ना सर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये एक यूनिक फोरम है जहाँ पे 37 डेमोक्रेसीज़ आपस में मिली हुई हैं और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है किस चीज के लिए कि ऐसे पॉलिसी स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो बट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ठीक बात और इन्होंने सर हम लोग को टोटल छ प्रिंसिपल्स दिए कितने प्रिंसिपल्स दिए छह प्रिंसिपल्स या हम बोलते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने छह प्रिंसिपल्स नहीं दिए हम ऐसे बोल देते हैं कि द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडेंस जो प्रिंसिपल्स हैं सर वो गाइडेंस देते हैं किसको थ्रू अक्रॉस सिक्स चैप्टर्स ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमको टोटल तीन छह चैप्टर्स के थ्रू गाइडेंस देते हैं ये छह चैप्टर्स कौन कौन से हैं तो पहला इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एंड इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाएगा जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जाए सेकेंड राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शंस कह रहे हैं हम राइट्स की बात कर रहे हैं किसकी शेयर होल्डर्स की और उनके इक्विटेबल ट्रीटमेंट की ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देन कम्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट्स And other intermediaries. Fourth number Role of Stakeholders in Corporate Governance. Fifth number Disclosure. एंड ट्रांसपेरेंसी और लास्ट में आया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड अब देखो अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ओईसीडी प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि कोई भी एक चैप्टर पे आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वन और टू हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी और गाइडेंस पे आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछे जा सकते एनी वन कैन बी आस्ट एनी वन कैन बी आस्ट कह दें इन फाइव मार्क्स ये ध्यान रखिएगा और अगर आपसे ओई डायरेक्टली पांच मार्क्स का पूछ लिया जाए तो आपको फिर इसके अंदर का कंटेंट नहीं लिखना ये छह एडिंग रखनी क्या बात समझ में आती है बोलो बेटा तो आप लोगों ने क्या बोला कि अगर तो ओईसीडी के अंदर के प्रिंसिपल्स अलग से पूछे जाएं किसी एक स्पेसिफिक गाइडेंस को लेकर तो आपको वो स्पेसिफिक गाइडेंस के अंदर के प्रिंसिपल लिखने अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना आपको सिंपल तौर पे क्या करना है सीधे-सीधे ये डायरेक्ट छह प्रिंसिपल सिक कराने है, अगर हैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ओईसीडी प्रिंसिपल पूछे जाएं तो क्या बात है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बहुत तरीके के पूछे गए हैं ओ के रिगार्डिंग मतलब ये नहीं बोलूंगा मैं कि कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए गए देखो सबसे पहला क्वेश्चन briefly comment on following corporate governance framework should protect and facilitate the exercise of शेयर होल्डर्स राइट अब यहां पे स्पेसिफिकली आपसे पॉइंट नंबर टू पूछा जा रहा है और कुछ आपसे पूछा ही नहीं जा रहा सिर्फ प्रिंसिपल नंबर टू के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है ठीक है देन कम्स एक और क्वेश्चन हाईलाइट The OECD principles of corporate governance with respect to disclosures and transparency. अब जैसे ही बात आई disclosures और transparency की तो तुरंत तो हमारे सामने principle number five आ गया तो देखो प्रिंसिपल नंबर टू पे क्वेश्चन प्रिंसिपल नंबर फाइव पे क्वेश्चन प्रिंसिपल नंबर फोर पे भी क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन प्रिंसिपल नंबर फोर पे प्रिंसिपल नंबर वन पे भी क्वेश्चन तो इन चार प्रिंसिपल्स पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन पुटअप भी किए जा चुके हैं तो ये आपके लिए ओईसीडी प्रिंसिपल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बोलो बेटा क्या पास में आ रही है तुमको जवाब दे दो आ रही है कि नहीं आ रही है ठंडा मौसम हो रहा है पानी थोड़ा गरम करके पीजिए अपनी तबीयत और अपने गले का ध्यान रखिए वरना दिक्कत हो जाएगी बासू में आती है बांसराती आती है हाँ मुंबई में भी बात सही है सो सॉरी शिल्पा दिस इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन यू मुंबई में वेदर अलग है अच्छा शिल्पा मैं मुंबई वो पुणे आ रहा हूँ वापस से ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवम्बर को ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर कोमल कहती है सर चैप्टर नंबर टू का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी बता दो कब करेंगे वो भी कर लेंगे यार कोमल कहाँ हम जा रहे हैं और कहाँ तुम जा रहे हो यहीं हैं हम सब अब देखो शिल्पा मैथ मैं कुछ नहीं कह सकता देखो मैं पुणे आ रहा हूँ मैंने बता दिया अब तुम्हारे एग्जाम्स हैं अब ये तुम संभालो अपने हिसाब से ठीक है मेरठ तो अब भाई साहब सीधी ट्रेन चल पड़ी है अभी पूरी मेरठ तक तो नहीं गई चलो लेकिन चालू तो हो गई है मोदी जी ने हरी झंडी तो दिखा दी है दिल्ली से है ना क्यों सुधांशु अब तो आप मस्त फिर ये मेरठ से ऐसे घूम करके आ जाइए एकदम चलो अब जब हम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे ना सर तो देखो प्रिंसिपल्स हैं तो बहुत डिटेल में ठीक है तो हम समझा तो सकते हैं आपको लर्न करने की टेक्निक बता सकते हैं लेकिन लर्न तो आप ही को करना पड़ेगा बात तो सही है सर तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि सर इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन एफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क पहले भी चलती थी मेरठ की ट्रेन अच्छा अभी मैं अपने सीतापुर भी जा रहा हूँ तो सीतापुर जाते हैं तो रास्ते में मेरठ तो नहीं पड़ता बट रास्ते में रूट कट जाते हैं मेरठ के लिए चलो भाई तो कह रहे हैं सर लिखा है ध्यान से कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क आप डेवलप करेंगे ना हाँ आप शॉपिंग करेंगे शादी की सही बात है तो लिखा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ना सर इट शुड बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू इट्स इंपैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कह रहे जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए तो उसको डेवलप कुछ इस तरीके से किया जाए कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर मतलब यह बात ध्यान दी जाए कि जो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो उसका इंपैक्ट पड़ेगा किस पर ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर मार्केट की इंटीग्रिटी पर एंड देयर शुड बी अ प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग मार्केट्स हमको ऐसी मार्केट को प्रमोट करना है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए ठीक कह रहे हैं जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ लॉ ट्रांसपेरेंट एंड एनफोर्सेबल ऐसा नहीं है कि आप कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कोई ऐसा बना दीजिए जो लॉ को ही वायलेट कर रहा हो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वो एडॉप्ट करनी है जो लॉ के हिसाब से कंसिस्टेंट हो ऐसा ना हो कि आपके एरिया का आपके रीजन का लॉ कुछ और कहता है और आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क उसको पूरी तरीके से अपोज कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए कह रहे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिवाइड करेंगे अलग अलग अथॉरिटीज में इट शुड बी क्लियरली डिजाइन पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजाइन करिए और सब में बांटिए स्टॉक मार्केट रेगुलेशन शुड ऑल्सो सपोर्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा ना हो कि आपकी स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन कुछ और बात कर रही है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ और बात कर रहे हैं इसका मतलब देखो जो ये ओईसीडी प्रिंसिपल्स है ना अब ये देखो थर्टी सेवन इसमें इन्वॉल्व हो गई बट सर हर कंट्री का, का कानून अलग है इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस की बात करते हैं ना तो वो फॉरेन कंट्री की गाइडलाइन से मैच खाती है इसीलिए आपको कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होती है आप ये बोलते हो ना कि सर सारे प्रिंसिपल्स तो ऑलमोस्ट सेम है और भाई सबका सोर्स तो सेम ही निकला है उन्होंने बस अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से उसको डिजाइन कर दिया लिखा क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन शुड बी इन्हांस्ड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन का मतलब है कि विद अदर कंट्रीज आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए वो आप बाइलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रेटीज साइन करिए जिससे कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर हो पाए एंड सुपरवाइजरी रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज क्योंकि सर अगर सुपरवाइजरी रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो फिर इस सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने का को कोई फायदा ही नहीं रहेगा तो देखो सबसे ज्यादा अच्छा मैं अगर बोलूँ ना छो प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा टिपिकल प्रिंसिपल टू लर्न अगर कोई है वो प्रिंसिपल नंबर वन ही है प्रिंसिपल नंबर वन ही है जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा प्रिंसिपल नंबर टू देखो मैं बोलूं तो ये बहुत लेंदी है इसमें पांच मार्क्स में लिखना आपके लिए बड़ा आसान है और ये एक्चुअल में सिंपल भी है क्योंकि ये बात करता है किसकी कि शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है और इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स तभी हम लोगों ने बोला इक्विटेबल ट्रीटमेंट इसलिए बोला क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में माइनॉरिटी और फॉरन शेयर होल्डर्स भी होते हैं तो पहले हम तो लिखा है कि बेसिक बेसिक शेयर होल्डर राइट्स क्या होते हैं तो हम लोगों ने बोला बेसिक बेसिक शेयर होल्डर राइट्स में इंक्लूड होता है राइट टू सिक्योर मेथड्स ऑफ ओनरशिप रजिस्ट्रेशन कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसको उस, उसके नाम पे शेयर्स कैसे अलॉट होंगे अगर वो किसी को शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा एंड ही शुड ऑप्टेन रिलेवेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉरपोरे ऑन अ टाइमली एंड रेगुलर बेसिस कि टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे उसको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे पार्टिसिपेट एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर मीटिंग हर शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे और वोटिंग करे जनरल मीटिंग में एंड ही में ही शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्टिंग एंड रिमूविंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड तो जब बोर्ड में से किसी को जब बोर्ड में किसी को अपॉइंट किया जाता है या उसको रिमूव किया जाता है तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में अप्रूवल चाहिए होती है और उसी के लिए वो पार्टिसिपेट करेगा एंड देन ही इज ऑल्सो हैविंग द राइट टू शेयर इन द प्रोट्स ऑफ द कॉरपोरेशन कल को अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो हर शेयर होल्डर का हक है जिसमें हर शेयर होल्डर को मिलेगा भले वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी तो ये ये जो राइट्स है ना ये बहुत सिंपल सिंपल से है फिर लिखा कि सर जो शेयर होल्डर है ना उसको किसी भी तरीके का अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंडामेंटल कॉरपोरेट चेंज हो रहा है जैसे मर्जर हो रहा है अमेरिकेशन हो रहा है एम ओ में ऑल्ट्रेशन हो रही है नई शेयर कैपिटल इशू हो रही है तो इसके बारे में उसको पता होना चाहिए तभी लिखा फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस के बारे में शेयर होल्डर्स शुड बी सफिशियंटली इंफॉर्म्ड तभी लिखा कैसे ये कॉर्पोरेट चेंजेस मेजर कॉर्पोरेट चेंजेस कौन से होते हैं लाइक अमेंडमेंट टू द स्टैचूज और आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर लिखा था ऑथराइजेशन ऑफ एडिशनल शेयर या लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन जहां पे कंपनी की सब्सटेंशियल अफेक्ट होने वाली है ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोगों ने बोला कि सर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए जनरल मीटिंग में और उनके वोटिंग प्रोसीजर्स पूरी तरीके से उनको डिफाइन किए जाने चाहिए लेखा शेयर होल्डर्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर मीटिंग एंड शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रूल्स इंक्लूडिंग वोटिंग प्रोसीजर्स उनको सारे रूल्स पता होने चाहिए वोटिंग प्रोसीजर्स क्या उनको वो पता होने चाहिए इसीलिए बोला जा रहा है कि जब भी कोई मीटिंग हो तो उस मीटिंग में डिस्कस किया जाने वाला एजेंडा उसकी लोकेशन उसकी डेट फुल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशूज टू बी डिस पूरी तरीके से मिल जाने चाहिए हर एक शेयर होल्डर को ठीक फिर लिखा सर कोई भी जल में मीटिंग अगर हो रही है इट शुड अलाउ फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए और सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटिंग करना बहुत एक्सपेंसिव हो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए वोटिंग का प्रोसीजर शुड बी इजी आल्सो। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है वोट डालने के लिए ठीक है अगर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को उसके बोर्ड से उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो उसको मौका मिलना चाहिए शेयर होल्डर शुड है अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन टू द बोर्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चन इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ऑडिटर होता है ना वो एनुअल जर्नल मीटिंग में प्रेजेंट भी होता है क्योंकि शेयर होल्डर पुटअप कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद बोला गया कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए शेयर होल्डर की कब इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए शेयर होल्डर की इन की कॉरपोरेट गवर्नेस डिसीजन ये की कॉरपोरेट गवर्नेस डिसीजन कौन से लाइक like जैसे नॉमिनेशन होनी है इलेक्शन होनी है बोर्ड मेंबर की तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बोर्ड मेंबर की रेमोरेशन डिसाइड होनी है यहां पर एक्चुअल में पार्टिसिपेशन होनी बहुत जरूरी है ठीक है और क्या एक शेयर होल्डर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है तो शेयर होल्डर शुड बी एबल टू वोट इन पर्सन और इन एबसेंशियल लाइक अगर वो मीटिंग में नहीं भी आया तो वोट पास कर पाए वोट दे पाए ऐसे प्रोविजन होने चाहिए ठीक है सर इसी तरीके से अब हम लोगों ने नीचे आए अब देखो ये सब ये जो शेयर होल्डर्स के राइट्स है ना दे आर वेरी सिंपल लाइक बहुत ही सिंपल है लाइक लिखा है कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अप्रूव फर्स्टली बाय द शेयर होल्डर्स और uh, कोई भी ऐसी जन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए जहां पर कंपनी के इंटरेस्ट का वायलेशन होता तो इस चीज का ध्यान देना फिर उसके बाद लिखा कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूसिव एक्शन और किसी भी तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हों तो उनका कोई अब्यूज नहीं होना चाहिए और अगर अब्यूज हो रहा है तो फिर इफेक्टिव रेमिडीज शुड बी अवेलेबल टू देम कि अगर कोई अब्यूज करने की कोशिश भी कर रहा है तो ऐसी रेमेडीज ली जाए जिससे कि उनके उस एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके तो ये जो अब जो ये जो प्रिंसिपल्स है ना सर ये प्रिंसिपल्स आर वेरी सिंपल मैं वही वही मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ अब देखो समझना रेमिन समझना हम यही प्रिंसिपल्स लिख कर आए हैं एलओडीआर में तो सेबी ने प्रिंसिपल्स ही तो एडॉप्ट किए इसीलिए तो दोनों सेम निकले क्योंकि हम ना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं एलओडीआर में उन्होंने क्या बोला कि भैया वो जो OECD में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े ना वही एलओडीआर में डाल दो अब एलओडीआर में डालने की वजह से हुआ क्या वो फॉरेन वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिक अप्रूव भी हो गए ये फायदा होता है सर इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसीलिए तो आप कहते हो कि सर ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स आर सिमिलर इसीलिए बोलते हो तो ठीक है बिल्कुल ठीक बात है सर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट्स हैं है, इनका क्या रोल है तो हम लोगों ने बोला कि सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्ट इन अ फिशरी कैपैसिटी और ये फरी कैपेसिटी में इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन पब्लिक का पैसा तो पब्लिक ने भरोसा दिखाया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आगे री इन्वेस्ट कर दिया एंड शुड डोज देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वोटिंग पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट्स पे लिखा वोट्स शुड बी कास्ट बाय कस्टोडियंस और नॉमिनीज इन लाइन विद द द ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स और बेनिफिशियल ओनर कौन है पब्लिक ठीक है सर पे लिखा अगर कोई कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट आ जाता है तो कैसे ये उसको रिजॉल्व करते हैं क्या आपको याद आ रही है स्टीवरशिप कोड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी देखो देखो अब देखो आई ने भी वो जो स्टीवरशिप कोड बनाया है इन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बनाया ये देखो लिखा जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनुप्लेशन शुड बी प्रोहिबिटेड और किसी भी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए मार्केट में मैन्यपुलेशन नहीं होनी चाहिए मतलब कोई भी मार्केट को कंट्रोल ना करे सबके लिए एक जैसी सिचुएशन होनी चाहिए तो ये प्रिंसिपल्स आपको दिए हुए हैं सर जो आपको दिए हुए ओई सी के रिकॉर्डिंग तो ये आपको जरूर से करने ये ध्यान रखिएगा इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते तो ये बहुत सिंपल है बट एक बार इसको रीड आउट करना पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है सर अभी ध्यान से सुनेंगे सर हमारा ओ होने के बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ अभी इट इज़ लाइक वन हमारी कुछ ऑलमोस्ट तीन घंटे की क्लास हो रही है तो आप ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे को लगता है हार्डली एक घंटा हम लोग को और लगेगा और हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे मैं बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं हम लोग अभी एक इटालियन कोड करेंगे इटालियन करेंगे इसके बाद हम लोग एक फिनिश कोड है एक फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ये करेंगे और इंडियन कंटेम्प जो हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग डेवलपमेंट उसको करेंगे तो हम ये तीन चीज़ें कवरअप करेंगे और उसके बाद फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे तो हम लोग एक इटालियन कोड करेंगे एक फिनिश कोड करेंगे और एक इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं वो करेंगे ठीक है तो अभी हुआ है इट्स लाइक वन ट्वेंटी हम लोग वन फोर्टी फ़ाइव में मिलेंगे ठीक है बीस पच्चीस मिनट में आप एक तरीके से लंच ब्रेक है आपका आप ले लीजिए और हम लोग वन फोर्टी फ़ाइव में मिलकर हार्डली इट विल टेक वन आवर और हम लोग ये तीनों कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे ठीक है चलो ठीक है मिलते हैं सर अभी मैं डाल भी देता हूँ कि हम लोग ब्रेक कर रहे हैं कितने बजे तक विल रिज्यूम एट वन फोर्टी फाइव ठीक है तो शुड वी स्टार्ट आप लोगों को आवाज़ आ रही बच्चे एक बार चेक कर लीजिए प्लीज सो वेलकम बैक एवरी जल्दी जल्दी आ जाओ और फटोफट से अपने दो टॉपिक और ख़त्म करेंगे और टाइम फिर क्लास को ना अभी बहुत सारे बच्चों ने लास्ट क्लास वाला रिवीजन किया है नहीं अभी मैं अगर सर जी आर एम सी कैसे लर्न करें आपने अपने एग्जाम टाइम पे कैसे किया था देखो मैं बताऊँ असल में क्या होता है जो चीज़ें हमको लर्न करनी होती है ना वो हम बुक से लर्न नहीं कर पाते हमारे टाइम पे ना एक पेपर होता था आई टी का और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर वो मतलब समझ लो अगर आपने एज इट इज़ बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी तो आप नहीं पास हो सकते तो हम लोगों ने क्या किया था एक डायरी बनाई उस डायरी में हम लोगों ने उसके सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए फॉर ईच चैप्टर टोटल ग्यारह चैप्टर थे उसमें आई रिमेंबर ग्यारह के ग्यारह चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए थे और मतलब आप समझ लो जो कुछ मेरे को लर्न करना था ना वो सब मैंने अपने नोट्स में लिख लिया था और एग्ज़ाम से पहले नाना करते भी मेरे को लगता है वो डायरी वो नोट्स मैंने सात आठ बार पढ़े होंगे क्योंकि मेरे को पता था कि वो बिना याद किए लिखे बिना उसको हम पास कर ही नहीं सकते और आपको जब कोई चीज़ लांग लर्न करनी होती है ना तो वो आप सोचो ना कि हम बुक से पढ़ेंगे और याद हो जाएगी वो नहीं होएगी तो आपको जो भी कुछ कंटेंट याद करना है ना उसको कॉपी पे लिखो कॉल दो मैं मानता हूँ कि अब शायद इस टाइम इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम कॉपी पे लिखें और सब कुछ करें बट तरीका यही कहता है कि जो चीज़ हमको याद करनी है उसको एक जगह लिखा जाए और उसको चार पाँच बार पढ़ा जाए तो ही वो याद हो सकती है अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न है ना ठीक है जिज्ञासा तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चलो तो हमारे सामने एक आता है ऐसा कोड, जिसको हम लोगों ने बोला फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। चलो तो इसको भी करने से पहले हम अपना इंडिया वाला कर लेते हैं हाँ जी तो हमारे सामने सर दिया हुआ है देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिखा कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया और सबसे पहले एक कमेटी लिखी हुई है जिसका नाम लिखा हुआ है सर कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999 और हम लोगों ने बोला कि सेबी ने में 7, 1999 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला एक कमेटी सेटअप की और इस कमेटी को सेटअप करने का मेन रीजन क्या था टू प्रमोट एंड रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह रहे सभी ने जो ये कमेटी सेटअप की इन द ईयर 1999 वो कुमार मंगलम बिरला के चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई और उनको बोला गया कि आप ना हमको सजेस्ट करिए कि हम अपने इंडिया में किस तरीके से कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को प्रमोट और रेज कर सकते हैं कह रहे कमेटी ने अपनी रिमोट अपनी रिपोर्ट दी देखा था रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वाज़ द फर्स्ट फॉर्मल एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवॉल्व अ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया पहले जो ये कमेटी की रिपोर्ट आई अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ कि फॉर्मली हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मल स्टेप लिया इन द कंटेक्सट ऑफ प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडियन कंपनीज एज एज वेल द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट एट दैट टाइम क्योंकि इससे पहले जितने भी कंसेप्ट सब वो फॉरन कंट्रीज में लिए जा रहे थे बट इंडिया में ऐसा कोई स्पेशलाइज कंसेप्ट फॉलो नहीं किया गया था दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब एक्चुअल में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आया और इसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की वजह से क्लॉज नंबर 49 नाइन किया गया लिस्टिंग एग्रीमेंट्स में बहुत ध्यान से सुनिएगा एलओडीआर से पहले लिस्टेड एंटिटीज को लिस्टिंग एग्रीमेंट्स फॉलो करने होते थे लिस्टिंग एग्रीमेंट्स को हटाकर एलओडीआर लाया गया था लिस्टिंग एग्रीमेंट्स में क्लॉज नंबर 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट्स की पूरी जान था और ये क्लॉज नंबर फोर्टी नाइन किसकी रिकमेंडेशन से आया कुमार मंगलम कमेटी की रिकमेंडेशन से आया तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना शुरू करते हैं सर वरना अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इसको रिटेन करना तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कुमार मंगलम कमेटी कुमार मंगलम बिरला कमेटी कुमार मंगलम बिरला कमेटी में क्या हुआ तो हम लोगों ने बोला कि सेबी सेटअप अ कमेटी सेबी ने एक कमेटी सेटअप की इन द ईयर डेट याद करने की जरूरत नहीं है इन द ईयर 1999 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला किस चीज के लिए पर्पस क्या था इस कमेटी का तो लिखा टू प्रमोट एंड रेज टू प्रमोट एंड रेज standards ऑफ corporate गवर्नेंस सिग्निफिकेंस इस पर्टिकुलर कमेटी की कोई इंपॉर्टेंस है ये सर इंपॉर्टेंस है क्यों इंपॉर्टेंस है क्योंकि सर ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा था अपने आप आप में ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया में इंडियन कंटेक्स को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग कोई स्टेप लिया जा रहा था तभी हम लोगों ने बोला कि ये फॉर्मल फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट था फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट टू इवॉल्व कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉर इंडियन कंपनी और फिर इस रिपोर्ट का फायदा क्या हुआ तो इस रिपोर्ट ने हमको रिकमेंडेशन दी क्या दी इसने हमको रिकमेंडेशन और इस रिकमेंडेशन के चलते हुआ क्या इट लेड टू इंक्लूजन ऑफ Clause forty nine in listing agreements. Chali. ठीक है तो पहली कमेटी हमारे सामने आई कुमार मंगलम कमेटी ठीक है दूसरे नंबर पे आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं इन दर टू थाउजेंड अगले ही साल एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है ऑन कॉरपोरेट एक्सेलेंस थ्रू गवर्नेंस कह रहे हम चाहते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के थ्रू एक कॉरपोरेट सक्सेसफुल हो जाए तो इन द ईयर 2000 डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स जो आज प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो आज मिनिस्ट्री है पहले ये सिर्फ डिपार्टमेंट था जिसको हम लोग बोलते थे डी तो कह रहे 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स फॉर्म अ ब्रॉड बेस्ड स्टडी ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर पी संजीव रेड्डी हु वॉज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स एट दैट टाइम तो इन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया किसकी चेयरमैनशिप में डॉक्टर पी एल संजीव रेड्डी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहने लिखा था दिस ग्रुप वॉज गिवेन द टास्क ऑफ एग्जामिनिंग वेज कैसे इस ग्रुप को एक टास्क दिया गया तभी इसको टास्क फोर्स बोला गया कि आपको तरीके निकालने किस चीज के लिए टू ऑपरेशनलाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एक्सलेंस ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा सकता है सस्टेनेबल मैनर में जिससे कि क्या किया जाए शार्पन इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटेटिव एज एंड टू फर्दर डेवलप कॉर्पोरेट कल्चर इन कंट्री, जिससे कि इंडिया कॉम्पिटेटिव लेवल पे ग्लोबल मार्केट पे कॉम्पीट कर पाए और इंडिया में भी कॉर्पोरेट कल्चर इवॉल्व हो, और मे 2000 में इनको बोला गया और नवंबर टू में द टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सलेंस से ग्रुप प्रोड्यूस रिपोर्ट कंटेनिंग रेंज ऑफ रिकमेंडेशन फॉर रेजिंग गवर्नेंसम ऑल कंपनी और इन्होंने हम लोग को क्या बोला इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन थी जिसके थ्रू हमारे इंडिया में गवर्नेस स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सकते थे एंड लिखा इट ऑल्सो सजेस्टेड द सेटिंग अप ऑफ अ सेंटर फॉर कॉरपोरेट एक्सेलेंस इन्होंने एक सेंटर बनाने की भी रिकमेंडेशन दी जिसको नाम दिया गया कि एक सेंटर बनाया जाए जिसपे हो कॉरपोरेट एक्सीलेंस का सेंटर ठीक से ठीक 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 जस्ट आ सेकेंड ना एक सेकेंड रुकेंगे फिर हम लोग इसको भी लिख लेते हैं जरा चलिए अब आते हैं सर हम लोग बात करते हैं सेकंड की ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप अब आया सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप पे हमने क्या बनाई टास्क फोर्स बनाई किस चीज पे ऑन कॉरपोरेट एक्सेलेंस थ्रू गवर्नेंस in May 2000, Department of Consumer Affairs formed a study group. किसकी चेयरमैनशिप में तो चेयरमैनशिप थी डॉक्टर पी एल संजीव रेड्डी जो सेक्रेटरी थे कहा के डीसी ठीक व्हाट वाज़ द पर्पस तो पर्पस क्या था to operationalize to operationalize the concept of corporate excellence to operationalize the concept of corporate excellence On a sustained basis, on a sustained basis, and to sharpen India's global competitive edge. and to further develop and to further develop corporate culture in the country तो दो purpose हो गए पहला purpose दूसरा purpose <coughs> इनका सबसे important suggestion क्या रहा सेटअप ऊपर क्या मैंने लिख दिया ओ सॉरी 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 कंज्यूमर नहीं डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स सॉरी 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 हाँ सजेशन में क्या लिखा हम लोगों ने टू सेटअप अ सेंटर फॉर कारपोरेट एक्सेलेंस से टेंटर फॉर कॉरपोरेट एक्सीलेंस तो ये आपके सामने अब टास्क फोर्स है ऑन कॉरपोरेट एक्सेलेंस थ्रू गवर्नेंस देखिए इतना शॉर्ट में लिखना काफी होगा सर इससे ज्यादा हम लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि दो एक अभी हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस की वॉलेंटरी गाइडलाइंस भी हैं वो भी हम देखेंगे अदरवाइज बाकी हमको लिखने की और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ये दो मेन लिखने थे हम लोगों ने लिखे अब अगला हमारे पास स्टेप आता है 2009 सीधे 2000 के बाद 2009 देखा सी आई आई टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसमें कुछ भी नहीं लिखा सर मतलब हम लोगों ने इसमें कोई खास रिकमेंडेशन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दी नहीं गई है तो इस वजह से हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ हम बस ये कह सकते हैं सी का मतलब क्या है इट्स लाइक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कही कहीं ना कहीं एडवाइजरी रोल प्ले करता है कंसल्टेटिव रोल प्ले करता है कि मार्केट में ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पे इंडस्ट्री में जहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रीज ग्रो हो पाए तो उस इंटेंशन से सी आई आई काम करता है और हम लोगों ने लिखा कि सी आई आई ने भी एक टास्क फोर्स बनाई टास्क फोर्स ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी सजेशन दिए रिगार्डिंग वॉलेंट्री रिकमेंडेशन फॉर इंडस्ट्री टू अडॉप्ट और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी कि आप वॉल्ट्री बेसिस पे इनको अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है लिखा इंस्पायर्ड बाय द इंडस्ट्री रिकमेंडेशन ये ऊपर वाली दी हुई के बेसिस पे MCA ने 2009 में रिकमेंडेशउजेंड एंड नाइन अगर आपको रिपोर्टिंग वाला चैप्टर याद हो बी आर एस आर वाला तो बी आर एस आर में सबसे पहले वॉलेंट्री गाइडलाइंस निकाली गई थी दो हजार नौ में रिलीज द सेट ऑफ वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दीज गाइडलाइंस वर डिराइव आउट ऑफ द यूनिक ऑफ द इंडियन इकनॉमी ये जो वॉलेंटरी गाइडलाइंस एम सी ए ने दी दो हजार नौ में ये ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी इंडिया की इकोनॉमी के चैलेंजेस को एंड टू कॉग्नीजेंस ऑफ द फैक्ट दैट ऑल एजेंसीज नीड टू कोलाबोरेट टूगेदर और इन्होंने इस बात पर बहुत जोर डाला था कि सर सारी एजेंसीज को एक साथ मिलना होगा तभी टू इंश्योर डेट बिजनेस फ्लरिश इवन एज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द होलसम एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री क्योंकि सर ये सारी एजेंसीज मिलकर अगर काम करेंगी तो ही बिजनेस फ्लरिश कर पाएगा और तो ही हम एक्चुअल में कंट्री की डेवलपमेंट और इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे तभी लिखा द गाइडलाइंस इंफोसाइज दैट रिस्पॉन्सिबल बिजनेसिस अलोन विल बी एबल टू तो हेल्प इंडिया टू तो मीट इट्स एम्बिशियस गोल ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑल राउंड डेवलपमेंट कह रहे हैं अगर एक बिजनेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली अगर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस नहीं बना और बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस तभी बनेगा जब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस फॉलो करेगा अगर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस नहीं बना तो फिर हम जो एम्बिशन लेके बैठे हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो नहीं ले पाएंगे कर पाएंगे फुलफिल नहीं कर पाएंगे और इन्होंने ये सबसे पहले लॉन्च किया कंसेप्ट ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच का वेयर बाय देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुड ऑल्सो विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एनवायरमेंट एंड मेनी स्टेक होल्डर्स इन अस्टेनेबल मैन और इन्होंने ही ट्रिपल बॉटम लाइन में तीन कंसेप्ट दिए ट्रिपल पी के पीपल प्लान एंड प्रॉफिट जिसमें हम प्रॉफिट की बात तो पहले भी कर रहे थे बट पीपल और प्लानट की बात अब हमने करनी शुरू की बिल्कुल ठीक बात है फिर हमारे इंडिया में एक एसोसिएशन बनाया गया जिस एसोसिएशन का नाम था नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज जिसको हम लोगों ने नाम दिया नासकॉम इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स कमेटी तो नासकॉम की कमेटी ने नासकॉम की एक कमेटी जिसका नाम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स कमेटी उन्होंने भी 2010 में कुछ रिकमेंडेशन इशू की रिगार्डिंग द फोकसिंग ऑन द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी तो अभी तक हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि पांच तरीके के स्टेप्स आए छठा नंबर स्टेप आ रहा है कंपनीज एक्ट सातवां आएगा एलओडीआर और लास्ट में आ जाएगा उदय कोटक कमेटी

लेकिन फिर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन को भी टाइम टू टाइम बार बार अमेंड किया गया दो हज़ार पंद्रह में किया गया दो हज़ार सत्रह में किया गया अलग थाजेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेटीन फर्दर रिजल्टेड इन चेंजेस रिलेटेड टू लीगल डेफिनेशन लाइक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट रोल ऑफ ऑडिट कमेटी मैनेजमेंट कंप्लायस इन सब पे फोकस किया गया एज पर कंपनीज एक्ट थाउजेंटीन देखो ठीक बात है और कंपनी से 2013 को और बहुत स्ट्रांग बनाया सेबी एलओडीआर ने सेबी ने कहा विद अ व्यू टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट्स अब जितने भी लिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उन सबको क्लब कर दिया गया और उनको कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन करके सेबी ने नोटिफाई किया तो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स बने थे कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से और बीच में आ गया कंपनीज एक्ट 2013 तो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स को चेंज तो करना था एज पर कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन इसीलिए सेबी ने क्या किया सेबी नोटिफाइड सेबी एल फॉर लिस्टेड एंटिटीज हैविंग लिस्टेड थाउजेंड सिक्योरिटीज ऑन लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज और ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल हुआ जिन्होंने जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज में और एल के प्रोविजन तो हम लोग जगह जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने रेगुलेशन नंबर फोर पढ़ी थी लेकिन 2013 में कंपनीज एक्ट आया 2015 में एल आया और 2017 में आ गई उदय कोटक कमेटी उदय कोटक कमेटी ने बहुत ज्यादा हाईलाइट दिए सर और इन हाईलाइट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर मतलब मैं कहता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ये आपके एग्जाम में अलग से उदय कोटक कमेटी का क्वेश्चन आपसे कोटक पर चाहिए कह रहे लिखा सेबी ने सेबी ने एक कमेटी तैयार करवाई ट गवर्नेंस वॉज फॉर्म इन जून टू तो दो जून 2017 में सेबी ने कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर उदय कोटक विद द एम ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया और सेबी चाहती है कि भी और कॉरपोरेट गवर्नेंस का बाहर हाई किया जाए स्टैंडर्ड और इम्प्रूव किया जाए इसलिए ये कमेटी बनाई गई कि अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि, कि किस तरीके से हम अभी और अपने कॉरपोरेट गवर्नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं

क्या जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करना बहुत जरूरी है अगर उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो जाए तो इन दैट सिचुएशन तभी हम कह पाएंगे कि यस हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपना फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया और काम हो गया नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कंपनी में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना चाहिए बिल इम्प्रूविंग सेफ गार्ड्स एंड डिस्कलोजर्स परटेनिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे प्रोहिबिशन तो नहीं है बट रिस्ट्रिक्शन है हम ये तो नहीं कहते कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर ही नहीं हो सकती बट हम ये जरूर कहते हैं कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर तो होंगी बट विद द अप्रूवल ऑफ़ द शेयर होल्डर्स बट होता क्या है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर हो जाती हैं और बहुत कम इंफॉमेसन डिस्क्लोज की जाती है जिसकी वजह से होता क्या है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग अप्रूवल तो ली गई बट विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन अप्रूवल ली गई जिसकी वजह से हुआ क्या कि अप्रूवल तो मिली बट गलत फैक्ट्स को पेश करके लिमिटेड फैक्ट्स को पेश करके अप्रूवल ले ली गई तभी लिखा इशूज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस कुछ इशूज इन्होंने दिए कि कही कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रैक्टिस में भी कमियां हैं जिनको संभालना होगा इसीलिए एनडीएस आए फिर लिखा इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड इवेल्युएशन प्रैक्टिस हमको बोर्ड की इवेल्यूएशन की प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रॉग करना होगा हमको इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को इवेलुएट करना होगा बोर्ड के Uh, जो फंक्शनिंग है उनको इवेल्युएट करना होगा अगर हमने इनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन अच्छे से नहीं की तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हमारा बोर्ड लॉन्ग रन में काम कर पाए फिर लिखा एड्रेसिंग इशूज फेस बाय इन्वेस्टर्स ऑन वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन इन जनरल मीटिंग कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वोटिंग किस तरीके से हुए और किस तरीके से मेजोरिटी ऑफ दी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाए इसीलिए पोस्टल बैलेट के कॉन्सेप्ट को हटा के ई वोटिंग का कंसेप्ट लाया गया फिर लिखा डिस्कलोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इशूज और डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग हम वही सीडी में रेफर कर सकते हैं एंड एनी अदर मैटर एज द कमेटी डीम्स विट पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया और इसके अलावा ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो किसने दी उदय कोटक कमेटी ने दी फिर लिखा उदय कोटक कमेटी सबमिटेड इस रिपोर्ट टू सेबी और द रिकमेंडेशंस जो इनकी दी गई उसमें ग्यारह चैप्टर्स थे अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन दी गई जैसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन और रोल के रिगार्डिंग दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कही इन्होंने डायरेक्टर्स का अलग से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बोर्ड कमेटी इन्हांस्ड मॉनिटरिंग ऑफ ग्रुप कंपनीज की जो सब्सिडरी एसोसिएट वेंचर्स हैं उनको किस तरीके से मॉनिटर करे पेरेंट कंपनी प्रमोटर्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्कलोजर एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इशूज इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज गवर्नेंस आस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज लीनियंसी मैकेजमेंसी दी जा सकती है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेबी फॉर इन्हेंसिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस इज लिस्टेड एंटिटीज इस सेबी को क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो सके इन लिस्टेड एडेंटिटीज तो देखो देखा जाए तो इसमें एनालिसिस वाला कंटेंट तो बहुत कम था मेन आपका याद करने वाला कंटेंट ज्यादा है बट ये उदय कोटक कमेटी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पॉर्टेंट तो देखो बहुत है बहुत इम्पोर्टेंट है से. मैं अगर आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन की बात करूं, देखो 2018 में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि कुमार मंगलम जो कमेटी है उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी तो कुमार मंगलम हम लोग ऑलरेडी भी कुमार मंगलम बिरला कमेटी करके आए उसकी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पुटअप किए गए फिर दूसरे नंबर पे हम आए तो हमारे पास क्वेश्चन आया हाँ एल्यूसीडियट द फॉलोइंग कॉर्पोरेट एक्सेलेंस थ्रू गवर्नेंस तो यहाँ पे आपके सामने टास्क फोर्स आ गई और जो हम लोगों ने अभी पढ़ी डॉक्टर पी एल संजीव रेड्डी सेक्रेटरी ऑफ डी सी ए उन्होंने जो टास्क फोर्स बना के अपनी रिकमेंडेशन दी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया गया फिर टू थाउजेंड नाइनटीन में उदय कोटक कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया गया कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशनस दी सेबी को तो ये जो ग्यारह चैप्टर्स लिखे हुए हैं इन ग्यारह चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन दी गई हैं वो आपसे पूछी गई हैं और इसके अलावा इसके अलावा और तो ऐसी कोई इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं पूछी गई दैट वॉज द ओनली थिंग तो कुमार मंगलम कमेटी और उदय कोटक कमेटी और टास्क फोर्स इन तीनों के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया इन्हीं के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है तो वही है बस उसके अलावा कुछ नहीं ठीक है सर अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारे पास दो कंसेप्ट रहते हैं सर एक रहता है फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड और एक रहता है इटालियन और ये करने के बाद हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये पर्टिकुलर चैप्टर ही एक तरीके से ओवर हो जाएगा अभी हम लोगों ने इसमें जो छोड़ा हुआ है वो तीन चीज़ें छोड़ी हैं एक यूके एक साउथ अफ्रीका और एक सिंगापुर और वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब हम लोग चैप्टर नंबर नाइन करेंगे तो ये अपने आप वहाँ पे कवर हो जाएंगे तो वहाँ पे जब अपने आप ही कवर हो जाएंगे तो हमको दो दो बार नहीं करने पड़ेंगे ठीक है चलिए नीचे आते हैं जरा सर और हमारे सामने आया ये देखिए इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोड आपके एग्जाम में पांच मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जैसे इटालियन कोड है फिनिश कोड है तो इसके अंदर के किसी कंटेंट का क्वेश्चन अगर आपसे कर लिया जाए तो इसके चांसेस आर वेरी लो बहुत लो चाज ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जा रहा है इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड के अंदर के कंटेंट को डिफाइन करने को आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा एंड फाइनल खत्म बस उतना और कुछ भी नहीं तो लिखा है इटालियन Corporate गवर्नेंस कमेटी ने रिलीज़ किया न्यू एडिशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड और बोला गया कि इटालियन मेन मार्केट जो लिस्टेड मार्केट जो इटालियन लिस्टेड एंटिटी जो इटालियन की मार्केट है सिक्योरिटी मार्केट है उसमें जिसके जिसके कंपनीज शेयर्स लिस्टेड हैं उनके ऊपर ये कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड एप्लीकेबल हो जाएगा तो कुल मिला के लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होना था लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हुआ और हम लोगों ने बोला किसने रिलीज़ किए ये कोड तो लिखा इटालियन कॉरपोरेट गवर्नेस कमेटी ने रिलीज़ किया जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ठीक है देखा कंपनी अडॉप्टिंग द कोड आर रिक्वायर टू अप्लाई इट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्सियल थाउजेंड ट्वेंटी 31 दिसंबर दो दिसंबर 2020 के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, जो है उसके बाद से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ये कोड वेल द डिस्कलोजर शैल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट टू पब्लिश ड्यूरिंग टू तो कोड आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर और जो डिस्कलोजर की बात आएगी वो एप्लीकेबल होंगे टू से तो हम ऐसे बोल देंगे कि जो कोड है वो एप्लीकेबल हो जाएगा कब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो बिगन होगा आफ्टर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी और जो डिस्क्लोजर्स दिए जाने हैं वो दिए जाएंगे ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है फिर नीचे आए और नीचे आए लिखा कि द कोड हैज सिक्स आर्टिकल्स जो ये कोड है इसके टोटल छः आर्टिकल्स हैं द कोड हैज सिक्स आर्टिकल्स और हर आर्टिकल के अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं भगवान का शुक्र बनाइए कि आपके में कोड तो दिए हुए हैं बट कोड के छ कोड के बाद उनके प्रिंसिपल्स नहीं लिखे हुए हैं। तो अब आप प्रिंसिपल से तो बच गए तो प्रिंसिपल्स आपको नहीं करने हैं इस बात का ध्यान देना है ठीक है विच डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इन टू रिकमेंडेशन विच इंडिकेट द बिहेवियर डेट द कोड डीम्स अप्रोप्रिएट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड इन द प्रिंसिपल्स कह रहे हैं छ आर्टिकल्स हैं कोड में और उन छे आर्टिकल्स के हर आर्टिकल के प्रिंसिपल्स हैं और हर प्रिंसिपल अपने आप में गुड गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है और ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से हमारा जो कोड बनाया गया है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा और वो छह आर्टिकल्स कौन से हैं ये रहे वो छह आर्टिकल्स तो लिखा रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपोजिशन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रोल ऑफ द चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तो कुछ अनोखा नहीं है इस बात को समझिएगा बट एक्चुअल में है क्या कहीं ना कहीं हर एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के कंसेप्ट को देख कर सीखकर सीख कर इनको अडॉप्ट करती है तो अभी तक हम लोगों ने अगर मैं बोलूं तो अगर मैं शॉर्ट नोट के तौर पर लिखवाऊ आपको तो हम लोगों ने हेडिंग डाली इटालियन कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड चलिए यहां पर जब हम लोगों ने बोला तो हम लोगों ने बोला कि ये कोर्ट कब रिलीज हुए तो रिलीज ऑन जनवरी ट्वेंटी किसने रिलीज किया रिलीज बाय होम तो लिखा इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी एप्लीकेबिलिटी तो बोला गया एप्लीकेबिलिटी होगी टू ऑल कंपनीज विद शेयर्स लिस्टेड ऑन इटालियन मेन मार्केट तो जिनकी भी शेयर्स लिस्टेड हैं इटालियन मेन मार्केट में उन कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल बिल्कुल तो ठीक बात फ्रॉम विच डेट इट इज टू बी फॉलोड किस डेट से इसको फॉलो करना है तो लिखा First financial year that begins after thirty first December two thousand and twenty and disclosures and disclosures. shall be प्रोवाइडेड ड्यूरिंग 2022. ठीक अगर मैं बात करूं कंटेंट की कंटेंट ऑफ कोड, तो इसमें बोलेंगे टोटल सिक्स आर्टिकल्स विद प्रिंसिपल्स छह आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आर्टिकल नंबर वन जो बात कर रहे हैं रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आर्टिकल नंबर टू जो बात कर रहे हैं कंपोजिशन की आर्टिकल नंबर थ्री जो बात कर रहे हैं फंक्शनिंग की एंड रोल ऑफ चेयरपर्सन आर्टिकल नंबर फोर जो बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की एंड बोल्ड इवेल्युएशन आर्टिकल नंबर फाइव जो बात कर रहे हैं रेम्यूनोरेशन की और आर्टिकल नंबर सिक्स जो कि बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल और साथ ही साथ एंड रिस्क मैनेजमेंट की ये छह आर्टिकल्स ये कम से कम आपको याद होने चाहिए इस पर आपको फोकस करना है सर ठीक है ठीक है सर इन्होंने एक कंसेप्ट और फॉलो किया सर यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट अडॉप्ट किया कंप्लाई और एक्सप्लेन कंप्लाई और एक्सप्लेन का कंसेप्ट ये कहता है कि या तो आप हमारे दिए हुए इस कोड को कंप्लाई करो और अगर आपने कोई प्रिंसिपल कोई रिकमेंडेशन नहीं कंप्लाई की तो एक्सप्लेन करो कि आपने उनको क्यों नहीं कंप्लाई किया ठीक सर और इन्होंने सस्टेनेबिलिटी पर बहुत फोकस किया सस्टेनेबिलिटी पर इन्होंने बहुत फोकस किया तभी तो इन्होंने लिखा सस्टेनेबिलिटी एंड प्रपोर्शनेटलिट प्रपोशनेटली प्रपोर्शनैलिटी आर एट द हार्ट ऑफ द न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो प्रपोशनैलिटी और सस्टेनेबिलिटी प्रपोशनैलिटी क्या है तो so, प्रपोशनैलिटी का मतलब है सर कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबल बिजनेस क्रिएट करना है देखो आर एट सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोपोशनलिटी आर एट द हार्ट ऑफ द न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज रिसेंटली अप्रूव बाय इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया पुराना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो 2018 का था वो हटाया और नया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड लेकर आए जहां पे कंप्लाई और एक्सप्लेन का कॉन्सेप्टों इन्होंने लॉन्च किया या तो कंप्लाई करो नहीं तो एक्सप्लेन करो ये कोड आप हटा दीजिएगा ये आपको जरूरत नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब इस पैराग्राफ की जरूरत नहीं बाकी ये वाला पैराग्राफ करिएगा इसको मैं हटा देता हूँ कोई जरूरत नहीं है इसकी सर नीचे आते हैं सर लिखा है कंपनीज अडोप्टिंग द कोड प्रोवाइड इन देयर कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट यानी जो भी कंपनीज इस कोड को अडॉप्ट कर रही है उनको एक कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देनी है एंड शुड दैट रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट ईजिली अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जॉस्टिव वो रिपोर्ट एक्यूरेट होनी चाहिए इंफॉमेशन उसमें ऐसी दी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो

प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो आपने उसको डिसरिगार्ड किया तो बताइए आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट किया जो कोड से बेहतर है डिस्क्राइब द रीजन फॉर द डेविएशन अगर आपने गड़बड़ की आपने कोड में लिखी हुई बात फॉलो नहीं की कुछ अपना ही कंसेप्ट फॉलो किया तो रीजन दीजिए डिस्क्राइब हाउ द डिसीजन टू डिपार्ट फ्रॉम रिकमेंडेशन हैज बीन मेड विद इन द कंपनी और आप ये भी बताइए कि ये जो डिसीजन आपने लिया है क्या इसके रिगार्डिंग बोर्ड ने अप्रूवल दी थी द डेविएशन इज लिमिटेड इन टाइम इंडिकेट व्हेन दे प्लान टू अप्लाई द रिलेटेड बेस्ट प्रैक्टिस

पे लिखा इन ऑर्डर टू इंश्योर अ प्रोपोर्शनल एप्लीकेशन ऑफ द कोड कैलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू दी कंपनी प्रोपोर्शनल मेथड पे धीरे धीरे करके ऊपर सबसे ऊपर एप्लीकेबल होगा तभी रिकमेंडेशन इंटेंडेड ओनली फॉर लार्ज कंपनीज तो कुछ रिकमेंडेशन ऐसी है जो सिर्फ किसको फॉलो करनी है लार्ज कंपनीज को तो अभी हम लोगों ने ऊपर दो वर्ड लिखे थे प्रपोशनैलिटी

ठीक है सर तो इस तरीके से ये हमारा इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है जो सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया है तो देर आर हाई चांसेस कि आपसे एग्जाम में इस बार शायद यही पूछ लिया जाए इसलिए इसको जरूर से करके जाइएगा लेकिन इतना कंटेंट करिए जो पाँच मार्क्स के हिसाब से सुटेबल हो आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा जरूरत है मैं आपको बताता हूँ अगर पाँच मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये डेविएशन वाला कंटेंट नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आपसे डेविएशन अलग से पूछ लिया जाए तो फिर तो आपको यही देना पड़ेगा फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी ठीक है इसी तरीके से लास्ट में आते हैं सर हम और हम बात करते हैं किसकी फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की और इसमें मैं आपको सीधे सीधे एक नोट लिखाऊंगा और आपको बस वही करना है और आपका ये कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे सामने आया सर फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड और इसको करने के बाद फिर हम बाइंड अप करेंगे सर ठीक है अब ध्यान से देखिए क्या है ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड है ये किसके लिए लाया गया हम लोगों ने बोला इट इज फॉर फिनिश लिस्टेड कंपनीज और हम लोगों ने इसको बोला 2020 कॉर्पोरेट एंड ट्वेंटी कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड 2020 कॉर्पोरेट एंड ट्वेंटी कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड ठीक है सर ये सर जो फिन है ना फिन का मतलब आप समझ रहे हैं ना मतलब आपको ये फिन का मतलब पता, पता है ना इट्स लाइक फिनलैंड फिनिश एक तरीके की लैंग्वेज है सर ठीक है फिर ध्यान से सुनिएगा कह रहे हैं व्हाट इज द मेन पर्पस क्या पर्पस था इस कोर्ट को लाने का तो हम लोगों ने बोला ऐसे टू हार्मोनाइज The procedure of listed companies to harmonize the procedure of listed companies to promote openness with regard to. Corporate governance and remuneration. Third number. To increase the transparency. To increase the transparency of corporate governance taken. so that so that investors so that investors could be able to could be able to evaluate प्रैक्टिस अप्लाइड बाई कंपनी जैसे कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो इवेल्युएट कर पाए कि एक पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी क्या किस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है बिल्कुल ठीक बात है ठीक <laughs> <coughs> 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 है फिर हमने वो लिखा मोडिफिकेशन हम लोगों ने बोला इंप्रूवमेंट्स पिछले कोर्ट के कंपैरिजन में क्या इंप्रूवमेंट्स की इस नए कोर्ट में तो हम लोगों ने देखा पहले नंबर पे पहले नंबर पे ध्यान से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स एडिशनल रिक्वायरमेंट्स in relation to in relation to remuneration and related party transactions second second changes in regards with Changes in regards with audit committee. Changes in regards with audit committee. And independence of board members. Independence of board members. Third number. कंपनीज रेमोनोरेशन स्टेटमेंट पहले सर इनकी कंपनीज को रेमोनोरेशन के रिगार्डिंग सिर्फ एक डिस्क्लोज़र देना होता था अब इन्होंने बोला नए कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोर्ड में कि आपको रेमोरेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो देखा कंपनीज रेमनोरेशन स्टेटमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रेमोनोरेशन पॉलिसी बाई रेमरेशन पॉलिसी तो जो रेमोरेशन स्टेटमेंट था वो रिप्लेस हो गया किससे रेम्योरेशन पॉलिसी से remuneration policies. ठीक सर पॉइंट नंबर फोर रेमोनोरेशन रिपोर्टिंग रेमोनिशन की रिगार्डिंग जो रिपोर्टिंग हो रही है मोरेशन रिपोर्टिंग ऑल्सो इंक्लूड्स उसमें इंक्लूड किया गया अ चेकलिस्ट टू क्लैरिफाई रिपोर्टिंग ऑब्लीगेशन कह रहे हैं कि एक चेकलिस्ट आपको अटैच करनी होगी और उसमें सारे प्रिंसिपल्स लिखे होंगे और आपको टिक लगाना है कि कौन कौन सी ऑब्लिगेशन आपने पूरी कर दी और कौन कौन सी रहेगी ठीक Fifth number to provide a reason they nahuba to provide a reason for determining that a board member to provide a reason for determining that a board member is not independent. आपको रीजन देना होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो तो बोर्ड में है कैसे ठीक सर और लास्ट में आपने देखा तो लास्ट पैराग्राफ यह क्या लिखा है ध्यान से द फिनिश सिक्योरिटीज मार्केट एसोसिएशन फिनिश सिक्योरिटी मार्केट की एसोसिएशन ने अडॉप्ट किया द अमेंडेड एंड अपडेटेड सी जी कोड इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द न्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी कोड केम इंटू फोर्स इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी प्लेसिंग द प्रीवियस फिनिश सी जी कोड एंड द कम्प्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल अप्लाइज टू द सी जी कोड तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी कम्प्लाई और एक्सप्लेन का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया तो जितना ये कंटेंट लिखा था मैंने आपको इसको शॉर्ट में पॉइंट्स में लिखवा दिया और आई थिंक आपको इतना ही बस मैक्स टू मैक्स करके जाना है और इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया भी जा चुका है आ, इसके रिगार्डिंग एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी किया गया था लिखा वॉट इज की रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो यही आपकी सारी इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी वहां पर ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर चैप्टर नंबर वन और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर नंबर वन का ऑलमोस्ट कंटेंट समझ में आया होगा लगभग लगभग हम लोगों ने इसमें सब कुछ कर लिया है बस वो कॉमन टॉपिक छोड़ दिया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कहाँ करना है स्टेक होल्डर्स वाले चैप्टर में करना है बट अदरवाइज हमारा ये पूरा कंटेंट कंप्लीट है फुल चैप्टर नंबर वन तो अब मेरे को ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है भाई पहले ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है चैप्टर नंबर एट कर लें शेयर होल्डर्स राइट और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर नाइन कर लेंगे स्टेक होल्डर्स राइट बोलो ठीक है चल तो हम लोग चैप्टर नंबर एट और चैप्टर नंबर नाइन अब अगली दो क्लासेस में करेंगे और 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 और, और। चैप्टर नंबर एट और नाइन हम लोग अब कब करेंगे सर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक दिवाली से पहले आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपका एटलीस्ट शेयर होल्डर्स राइट वाला चैप्टर तो करवाई दूँ और अगर लगेगा तो फिर दिवाली के बाद हम लोग स्टेक होल्डर्स राइट कर लेंगे डेट का मैं आपको जिज्ञासा जैसा भी होगा अपडेट करूंगा वीडियो डाल के मैसेज डाल के पोस्ट शेयर करके किसी ना किसी तरीके से मैं आप तक ये बात पहुंचा दूंगा कि किस दिन हम लोग ये करने वाले हैं हाँ मतलब बिल्कुल हम लोगों ने चैप्टर नंबर वन और टू ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया तो जो चैप्टर मैं आप करवा रहा हूँ वो मैं फुल फ्लैच करवा रहा हूँ जिससे कि आप आराम से उसको कर सकते हो इट्स नॉट लाइक कि उसमें कुछ छोड़ रहे हैं हम लगभग सारा ही कर रहे हैं ठीक है चलो तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे होप सो यू एंजॉय द सेशन प्लीज 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 एक तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा विद एवरी अदर स्टूडेंट जिनको आप जानते हैं जो सी एस प्रोफेसनल में ठीक है इट्स अ अंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू चलो गुड बाय एवरीवन बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़िए दिवाली से पहले हम जरूर मिलेंगे तब हम आपको दिवाली की विशेष देंगे ठीक है चलो गुड बाय एवरीवन बाय बाय टेक केयर